देवबंदी बरेलवी को बरेलवी, अहले हदीस और दोनों अहले हदीस को अहले हदीस, दोनों को सब एक दूसरे को काफिर मुशरिक गुस्ताखे रसूल कहते हैं। कोई किसी की नमाज जनाजा पढ़ ले तलाक हो जा रहा है, उम्मत में इत्तेफाक कहाँ? वो किस इत्तेफाक की बात कर रहे हैं? इतना बड़ा झूठ ऐसे आप सरेआम बोलेंगे? अगर ये अपना मसलक और मदरसा बता दे तो मैं उसी मसलक और मदरसे के सारे लोगों को उसे मैं बता दूं जो कंप्लेंट करता हूँ। इबली मैं नहीं नहीं मैं बता दूं जो सारे लोगों को मैं बता दूं जो इबलीस से भी ज्यादा एजुकेटेड है, अजाजील है, ये अजाजील के मानने वाला, अजाजील के जुमरे में हश्र के मैदान में उठाया जाएगा। उलमाए दीन की हैसियत से ये नहीं उठाए जाएंगे जो कहता है कि इस मुसलमान पैदाइश के आधार पर रजील है, कमीन है, और ये खुद भी कहता है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से कहलवाता है कि उसमें के ये बददीन लोग हैं, उसमें के ये जो है इस्लाम का शक्ल खराब करने वाले, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तोहमत बोहतान बांधने वाले ये अशराफ उलमा है। जहन्नम इनकी आग, जहन्नम इनकी आग से जलाई जाएगी। ये आप हमारे काम को खराब कर सकते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी खुतबे को हम समाज में स्थापित करने की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि गलत काम कर रहे हैं। इनके ऊपर आहनत रसूल का केस फाइल होना चाहिए, गुस्ताखे रसूल का केस इस पे ऊपर फाइल कीजिए। हम आखिरी खुतबे की बात कर रहे हैं, ये शैतान कह रहा है कि हम खराब काम कर रहे हैं। अरे अरे भाई, शब्दों की मर्यादा बरकरार नहीं, नहीं मर्यादा इनको मदरसे का पढ़ा हुआ है, इसको इतनी भी तमीज नहीं, किसे कैसे बात की जाती है? आप हमारे काम को खराब करेंगे। नमस्ते आदाब, आप जुड़े हैं पसमांदा डेमोक्रेसी से और आज हम एक दुखद घटना जो उदयपुर और अमरावती में हुई है उस पे बात करने के लिए मौजूद है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि पसमांदा डेमोक्रेसी जो है पहले डेमोक्रेसी के नाम से ही थी। हम कुछ नौजवान थे जिन्होंने देश में हिंसा का जो माहौल था, इस तरीके की लिंची का माहौल था, उसके खिलाफ हमको लगा कि एक सद्भावना की जरूरत है, आपसी बातचीत की जरूरत है, जो डिफिसिट हो रही है फेथ का, विश्वासों का, उसको दोबारा कायम करने की जरूरत है। तो हमने सोचा था कि इस तरीके से एक पहल करेंगे और एक दूसरे समाज की बातों को सामने लाएंगे, अपना दर्द सुनाएंगे, उनकी उनके आरोपों उनके दर्द को सुनेंगे। तो इसी वजह से हमने ये चैनल शुरू किया था, शुरू शुरू की बात जब हमने इसको 2016 में 2017 में शुरू किया था। फिर बाद में इसमें जो पसमांदा चेतना आती रही तो बहुत चीजें बदल गई और हमने इस चैनल का नाम ही पसमांदा डेमोक्रेसी कर दिया। फेसबुक पे आज भी ये डेमोक्रेसी के नाम से ये चैनल है। ये बात बताना इसलिए जरूरी है ताकि आपको समझ में आ सके कि हम हर तरीके की लिंचिंग और हिंसा के खिलाफ रहे, शुरू से रहे। इस चैनल की, इस फेसबुक पेज की शुरुआत इस वजह से हुई। आज जब उदयपुर में जो घटना घटित हुई तो इसका भी हम उसी तरह हमने संज्ञान लिया, हमको उतना ही दर्द हुआ जितना दर्द हमने किसी अपने समाज, अपना समाज तो पूरा ही अपना समाज है, पूरा हिंदुस्तान ही अपना समाज है, लेकिन जो धर्म विशेष जिसको हम मुस्लिम बोलते हैं उसमें, उसका कोई व्यक्ति मारा था तो उसमें जितना दर्द हुआ उतना ही दर्द हमें उदयपुर की घटना के लिए भी हुआ और हमने इसके उसको कंडेम करने की कोशिश की। तो आज हम मौजूद हैं इसी विषय पर बात करने के लिए और हमारे साथ जो है फयाज अहमद फैजी साहब हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लगातार हमारे साथ जुड़े रहते हैं। अनुरुलैन साहब एडवोकेट नुरुलैन मोमिन साहब हैं। तो सबसे पहले फयाज भाई, आप अपना जो है प्रारंभिक टिप्पणी करिए कि ये जो घटना घटित हुई उदयपुर वाली, और जैसे एक बात ये कह दी जाती है फयाज भाई, जैसे कि हम लोग जब इसका संज्ञान लिए तो कई जो हिंदू साथी थे वो ये कहे कि पहली बार किसी मुस्लिम संगठन को किसी हिंदू हिंदू मैं बार बार ये शब्द इस्तेमाल कर बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन क्योंकि यही शब्द में बात होती है तो वो कह रहे कि किसी हिंदू के अधिकार के लिए या उसकी मौत पर अफसोस व्यक्त करते हुए देखा गया है। तो ये उनके लिए, और जो हमारे जो मुस्लिम कट्टर साथी वो क्या कि अच्छा ये देखो ये भाजपा की फील्ड पर लाइन पे काम करना चाह रहे हैं, सरकार से जो है कुछ लेना चाह रहे हैं, इसलिए जो है इस तरीके की बातें कर रहे हैं। तो ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपने पहली टिप्पणी में बातों को रखी। जी फैज भाई, आपको मैं सुनो कर रहा हूँ। जी देखें, ऐसा है कि हिंदू सांप्रदायिकता पे जो लोग बात करते हैं वो इस देश में फौरन हीरो हो जाते हैं, वो तथाकथित सेकुलर लिबरल के भी हीरो हो जाते हैं और अशराफ वर्ग जो है मुस्लिम समाज को लीड करता है उसको भी, इसके भी हीरो हो जाते हैं। यानी अगर आपको रातों रात इस देश में हीरो बनना है तो आप हिंदू सांप्रदायिकता के खिलाफ लिखना पढ़ना बोलना चालू कर दीजिए, आप हीरो हो जाएंगे। इसके उल्टा देखिए, जैसे आप मुस्लिम सांप्रदायिकता पे सवाल उठाते हैं, खुद मुसलमान होने के बावजूद भी अगर आप मुस्लिम सांप्रदायिकता के विरोध में आवाज उठाते हैं तो आप फौरन इस देश में विलेन हो जाते हैं। तथा कथित मुस्लिम समाज को जो लीड करने वाला विदेशी, जो स्वयं को विदेशी कहता है, अशराफ वर्ग है, वो भी
आरोप लगाने लगता है कि यहूदियों से पैसा ले रहे हो, इसराइल से पैसा ले रहे हो, आरएसएस के एजेंट हो, बीजेपी के एजेंट हो, और जो तथाकथित जो सेकुलर लिबरल लेफ्ट लोग हैं वो भी यही बात कहने लगते हैं। तो एक बड़ी विडंबना है कि बुराई जो है, जैसे अगर मान लीजिए कोई जैसे टीबी का वायरस, टीबी का जो है बैक्टीरिया है, अगर हिंदू को इन्फेक्ट करता है उस पर आप बात करते हैं तो डॉक्टर कहे जाते हैं, मुसलमान को इन्फेक्ट करता है उस पर आप बात करते हैं तो आप बीजेपी आरएसएस के एजेंट कहे जाते हैं। ये इसी तरह की हंसने वाली बात है। तो मैं चूंकि मुस्लिम समाज से हूँ, हम लोग मुस्लिम समाज से हैं, तो हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अगर सांप्रदायिकता का माहौल इस देश के अंदर है तो हम सर्वप्रथम अपने समाज के अंदर जो सांप्रदायिकता है उस पर बात करें, उसका विरोध करें, पहली चीज। दूसरी एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदू समाज, अगर सांप्रदायिकता की बात की जाए, एक तो अगर आपने किसी घटना के लिए, किसी भी बात के लिए कहा कि सांप्रदायिकता जिम्मेदार है, तो लोग इसका तात्पर्य हिंदू सांप्रदायिकता से लेते हैं, यानी सांप्रदायिकता का पर्यायवाची शब्द जो है हिंदू सांप्रदायिकता है। मुस्लिम सांप्रदायिकता को लोग क्लीन चिट देते हैं कि भाई ये तो मजलूम लोग हैं, माइनॉरिटी में कहाँ सांप्रदायिकता हो सकती है। मैं बहुत साफ स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि हिंदू समाज में बहुत कम लोग सांप्रदायिक होते हैं। आरएसएस बीजेपी को अगर आप सांप्रदायिक मान भी लें तो उनकी भी विचारधारा से पूरे 100% हिंदू समाज जो है उससे जो है सहमत नहीं है। और ऐसे भी आप देखेंगे, मेरा तो मानना है कि मैं बहुत से बीजेपी और आरएसएस के लोगों से हमारा मिलना जुलना रहा है, बचपन से रहा है, बचपन से मैंने शाखाएं देखी हैं, तो मुझे वो बहुत ज्यादा कॉमनल नहीं दिखाई देते हैं संप्रदाय की, नहीं वे ही मुसलमानों को मार देंगे, चीड़ देंगे, फाड़ देंगे। हिंदू सांप्रदायिकता एक समस्या है जिसपे काम होता है, लेकिन आप मुस्लिम समाज को देखेंगे तो यहाँ मेरा जो अपना तजर्बा है कि एक दो आदमी छोड़ के, परसेंटेज की बात ही आप बोल लीजिए, पूरा 100% ऑलमोस्ट 99.9% कह लीजिए मुस्लिम समाज जो है सांप्रदायिक होता है। और वो मुसलमानों ने ये किया, मुसलमानों ने ये किया, हमने ये जंग जीती, हमने इनके हराया, उनको हराया, और ये हम सबसे अच्छे दीन है, ये है। तो पूरे नौजवान लड़कों से लेके बूढ़े तक लोगों के अंदर वो सांप्रदायिक होते हैं बिल्कुल। अब वो सांप्रदायिकता चित्र है कि नहीं है वो एक अलग बहस है। तो इस पे बात करनी चाहिए। और एक बात आखिरी बात कह के मैं खत्म करता हूँ, इस देश में सांप्रदायिकता का जनक जो है शासक वर्गीय बाहर से आया हुआ मुसलमान है, उसने सबसे पहले इस देश के अंदर सांप्रदायिकता को हवा दी। जब उसके प्रभाव हो रहा था शासन काल का, तो उसने मुस्लिम बीमार, टू नेशन थ्योरी, सेपरेट इलेक्ट्रेट, और अलग एक तशख्स कि हम अलग कौम हैं, हम अलग वो हैं, हम शासक वर्ग हैं, इसका वो लेके आए। उसके रिएक्शन में बहुत देर के बाद हिंदू समाज के अंदर भी उसी की रिएक्शन में सांप्रदायिकता बढ़ी। और एक सावरकर का एक कोटेशन चलता है, वीर सावरकर का, कि मैं तभी तक हिंदू हूँ जब तक आप मुसलमान हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि मुझे अपने समाज के अंदर, मुस्लिम समाज के अंदर जो सांप्रदायिकता है उसको एड्रेस किया जाए। और इसका हमारा इतिहास रहा है, बाबा कबीर से लेके आसिम बिहारी, अब्दुल कईम अंसारी, नूर मोहम्मद, अली अनवर, एजाज अली से लेके नूरुलाइन जया मोमिन तक का ये जो सिलसिला आ रहा है, हम शुरू से मुस्लिम सांप्रदायिकता के विरोधी हैं। जी, मैं एक सवाल इस पे कर ही देता हूँ। आप इसकी जड़ कहाँ देखते हैं? जैसे आप हर चीज को, जैसे बोला जाता कि फैयाज भाई को कहीं बैठा दीजिए तो वो कहेंगे कि अगर ग्रेविटी है इसमें भी अशराफ है, तो मतलब मजाक आपको मजाक बनाया जाता है, तो कह रहे इसमें कैसे अशराफ की बात है। देखिए ऐसा है, अगर लोगों का ये आरोप है कि फैयाज को हर चीज में अशराफ दिखाई देता है, हर बुराई की जड़ में, इसमें फैयाज पे उंगली नहीं उठानी चाहिए, अशराफ को देखना चाहिए कि क्यों हम ग्रेविटी की जड़ में बैठे हुए हैं, यहाँ भी हम क्यों बैठे हुए हैं, हर जगह तुम बैठोगे, हर जगह तुम फसाद फैलाओगे तो कहाँ से हम नया ले आएंगे, तुम्ही को तो कहेंगे। अगर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, देखिए एक बात बता दें, बहुत अच्छा आपको मैं उदाहरण दे रहा हूँ, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई टीबी का आम मतलब क्या होता है? अगर कहते हैं कि आदमी को टीबी की बीमारी हो गई तो आप क्या समझते हैं? फेफड़े की टीबी समझते हैं ना। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई एक ऐसा इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म है जो सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक को इन्फेक्ट करता है। अशराफ माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई है, अगर इसको आप ढंग से नहीं समझेंगे तो ये आपके बाल से लेके पैर तक को इन्फेक्ट कर देगा। पूरा देश इस वक्त इन्फेक्टेड है मुस्लिम सांप्रदायिकता से, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बात कह रहा हूँ। हर जगह तुम बैठे हो तो जिम्मेदारी कौन लेगा? जिम्मेदारी जब लेने की बात आती है तो आप इंग्लैंड अमेरिका भाग जाते हैं, यहाँ नहीं करते हैं। मलाई जब काटना है तो एमएलए एमपी आप बन जाते हैं। आप जिम्मेदारी कबूल कीजिए। आखिर आप क्यों ये कहते हैं कि यहूदियों की साजिश है? क्या मुस्लिम समाज में कोई बुराई नहीं है?
क्या सारी बुराइयां बाहर से आ रही हैं? क्या यहूदियों की वजह से मुस्लिम समाज में बुराई आ रही है? क्या आरएसएस भाजपा की वजह से मुस्लिम समाज में बुराई आ रही है? क्या अबू बकर और उस्मान रजी अल्लाह तआला को जो मर्डर करने वाले आरएसएस के लोग थे, यहूदी लोग थे? ये इब्न सबा वाली भी कहानी गढ़ी हुई है, आपस में ये लोग लड़ते हैं मुस्लिम समाज के। तीन तलाक किसी यहूदी ने बनाया है, तीन तलाक आरएसएस ने बनाया है। ये जो फिका आप लोगों ने बनाया है कि सर तन से जुदा कर देंगे, ये किसी आरएसएस ने बनाया है। आप जब दूसरे की तरफ एक अंगुली करते हैं तो तीन अंगुली आपकी तरफ होती है। आप जब हिंदू को कहते हैं कि तुम सांप्रदायिक हो तो आपको अपनी लेनी पड़ेगी। देखिए, हमको अपनी मुस्लिम समाज की एक बड़ी विडंबना है कि ये अपनी कमी को एक्सेप्ट नहीं करता। इसके दिमाग में सुप्रीमेसी बैठी हुई कि हम एकदम नीट एंड क्लीन हैं, बहुत अच्छे हैं, दुनिया के सबसे बेहतरीन कौम है। अरे भाई, कहाँ है? और अगर हमारे अंदर कोई बुराई है तो वो भाजपा की वजह से है, वो आरएसएस की वजह से है, यहूदियों की वजह से है, अमेरिका की साजिश है। इनको हर चीज में साजिश दिखाई देती है। जी जी नूरुल्लाह भाई, आपसे सवाल यही कर रहे हैं कि ये आशिके रसूल के नाम पे, और फिर जो जिस तरीके से हम देखते हैं कि इश्क निंदा का कानून बना के पाकिस्तान में और बांग्लादेश में तो कई हत्याएं हुई, हालांकि वहां की कोर्ट ने अभी तक किसी को सजा मौत नहीं दी है, लेकिन वहां की जनता, वहां पे ये बहुत कॉमन फिनोमेना है मार देना किसी को। साबरी ब्रदर जो है कव्वाली वाले, और उनको इसलिए मार दिया गया कि उन्होंने एक एक शादी में जाके कव्वाली गा दी और कहा कि जो दूल्हा दुल्हन है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी बीवी की तरह, मतलब कि तुलना कर दी। इस बात से खफा होकर उनको गोली मार दी। जैसे आप बोलते हैं ये तो राम सीता की जोड़ी है, शिव पार्वती की जोड़ी है, तो इतना भी बर्दाश्त नहीं हुआ इनसे। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये इसको इसकी पहले तो आप प्रारंभिक टिप्पणी दे दे, फिर आपको सवाल किया जाए कि ये कहाँ से ये शुरू हो रहा है, ये इसकी जड़ कहाँ है, कैसे मतलब इतने ज्यादा जो है बर्दाश्त न करने वाली फीलिंग पैदा हो जाती है। और क्योंकि हमारे पास एग्जांपल भी पाकिस्तान और बांग्लादेश, कितनी हत्याएं हुई वहां पे इस निंदा के नाम पे। जी देखिए, प्रारंभिक टिप्पणी पर तो मैं बहुत हैरत ज़दा हूँ कि हमने कन्हैया का या किसी भी कत्ल को लेकर के अगर हमने एक विरोध दर्ज कराया और उस पर एतराज किया कि यह गलत है, तो कहा जा रहा है कि हमारे सबसे बीजेपी की भी टीम है या उसके एजेंट है। मैं ये इतना बड़ा आरोप अपने ऊपर इस बात को कह के ये खुद लगा रहे हैं, इसका मतलब आज तक किसी गैर मुस्लिम के ऊपर अगर जुल्म हुआ, कत्ल हुआ, तो मुस्लिम लीडरशिप कभी बोली ही नहीं, उसका विरोध ही नहीं दर्ज कराया मुस्लिम लीडरशिप। यानी मुसलमानों को किसी और के कत्ल से, किसी और के जुल्म, किसी और पर हो रहे जुल्म से कोई मतलब ही नहीं। अगर हमारे विरोध करने पर, इतराज जताने पर, दुख जाहिर करने पर, हमारे एस एस की भी टीम है, हमारे एस एस के एजेंडे पे काम करते हैं, यानी इंडियन मुस्लिम, कम से कम इंडियन मुस्लिम लीडरशिप किसी के कत्ल पर, किसी पर हुए जुल्म पर आज तक बोली है। ये तो अब इनको सोचना चाहिए, मुसलमानों को, कि वो कर क्या रहे हैं, क्या इस्लाम यही तालीम देता है। बहरहाल, जहां तक इस निंदा की बात है तो ये कहां से आया, जहां तक मैंने जाना है, शायद सबसे पहले इमाम इब्ने तैमिया साहब ने इस निंदा के लिए, गुस्ताखे रसूल के लिए मौत की सजा का वो किया था अपने रिसर्च से। हालांकि और उसके पहले की तो मुझे कोई जानकारी नहीं है। ये जो भी आ रहा है निकल के, ये जो असही सुरता है मुस्लिम समाज में, या जो भी इनके, इसमें मदरसे बहुत हद तक जिम्मेदार हैं, मेरा ऐसा मानना है। मदरसे क्योंकि मौलानाओं की तकरीरें, जज्बाती बातें, और वो मदरसों से ही निकलते हैं, तो मदरसों में एक चीज जो मुसलमानों के अंदर दो तीन चीजें हैं, जैसे एक चीज ये है कि हम बैठा दिया जाता है वो हिटलर टाइप वाली सोच कि हम हुकूमत करने के लिए ही आए हैं, हम ही को हुकूमत का हक है, हम ही हक पर हैं, बाकी सब गलत हैं। ये सब जो दो तीन चीजें, ये जो दो तीन सोच है जो इन्होंने इनके अंदर डाल दी गई है, इस चीज ने क्या नाम है, इस निंदा पर या ऐसे कोई जो असही सुरता आई है, वायलेंट जो ये हो जाते हैं, इन सब सोचों की देन है। और मदरसों का सिलेबस सबसे पहले बदला जाना चाहिए, इसमें पूरी तरह से मदरसे जिम्मेदार है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ। हालांकि इस बात से लोगों को इख्तलाफ हो सकता है, बड़ा बुरा भी लग सकता है कि मदरसे को मैं टारगेट कर रहा हूँ, लेकिन मदरसों ने
देखिए मदरसों से निकलने के बाद लोग बेरोजगार भी हो रहे हैं, तरावी लॉकडाउन में 2 साल नहीं हुई, देखिए क्या हाल हो गई थी। बहुत से लोग पावर लूम पर ड्यूटी चलाने लगे, मदरसे 2 साल बंद रहे तो, और आम तौर पे लोग चला ही रहे हैं, तो मदरसे से बेरोजगारी भी समाज में बढ़ रही है। मदरसों से एक ऐसी फिक्र पैदा हो रही है जो अपने आगे किसी को समझ नहीं रही। मैं एक मेरे एक कहानी मुझे एक दोस्त ने मुझसे बात कही थी, मुझे याद आ गया। सरफराज नाम का था, वो अहले हदीस हो गया था, अहले हदीस था। तो एक दिन वो इसी मुझसे बात कर रहा था, तो उसने कहा कि वकील साहब, जब मैं पढ़ता था मदरसे में, तो जब मैं मदरसों से बाहर निकलता था तो आप जैसे लोगों को पैंट शर्ट में देखता था या बगैर दाढ़ी के देखता था, बगैर टोपी के, तो हम लोग फील ही नहीं कर पाते थे कि ये मुसलमान, हम लोग ये फील करते थे कि ये सब जहन्नमी है। कहा इतना ज्यादा ब्रेन वॉश लोगों का कर दिया जाता है। तो मैंने कहा अब, उसने कहा अब ये हाल है कि आप लोगों को देख के भी ये लगता है कि मतलब नहीं नहीं सब मुसलमान है, ऐसे कोई तो जहन्नमी नहीं हो जाएगा। और अब अपने अपने वो अपनी वो पिछली का जो पिछली सोच थी उसके बारे में सोचता हूँ, तो सोचता हूँ कि हम लोगों को क्या बता दिया गया था, हम लोग कितनी बड़ी जहालत में। तो मदरसों में रहने वाले जो मदरसों के बाहर हैं, दाढ़ी टोपी नहीं है, पैंट शर्ट में है, वो चाहे मुसलमान ही हो, वो उनको मुसलमान समझने में भी बहुत हद तक दिक्कत उनको पैदा होती है। इस तरह से ब्रेन वॉश किया गया। मैं ये उसका अपना वो बता रहा हूँ तजुर्बा, उसने मुझसे शेयर किया, बल्कि उसका नंबर मेरी मोबाइल पर सरफराज सल्फी के नाम से। अच्छा, और उसने मेरी भाई यहाँ पे एक बात मैं जोड़ दूं कि मदरसों में पहले क्या आया था, इस्लाम पढ़ाया था, लेकिन हमने इस बात का खंडन पहले भी कर दिया कि मदरसों में इस्लाम नहीं पढ़ाया था, मदरसों में फिका पढ़ाई जाती, मसलक पढ़ाए जाते। जी बिल्कुल। एक पाकिस्तान के मौलाना, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी कि अगर जितने बड़े बड़े मदरसे जैसे कि देवबंद हैं या इस तरीके बड़े मदरसे अशरफिया है, वो ये लिख के दे दें कि हमारे मसलक के अलावा दूसरे मसलक वाले जन्नत में चले जाएंगे, तो मैं जो है माफी मांग लूंगा सार्वजनिक तौर से और कहूंगा कि सारे ये लोग सब अच्छे हैं और ये सब के सब जो है मैं ही गलत था। ये अपने लेटर पैड पे ये लिख के दे दे कि मैं ये अलहदीस को ये मानता हूँ कि ये गुनाह कर रहे हैं, लेकिन ये लोग भी जन्नत में जाएंगे। और वो ये मानते ही नहीं कि जन्नत में जाएंगे, तो ये तो विद इन जो है कम्युनिटी के अंदर की बात है कि मदरसे में कैसी फिक्र पैदा की जा रही है कि एक मसलक वाला दूसरे मसलक को काफिर समझ देता है। अभी मिराज रब्बानी, हम लोग तो जिस बैकग्राउंड से आते हैं तो मिराज रब्बानी बने खूब सुने, तो मिराज रब्बानी साहब की एक बहुत मशहूर तकरीर है पंच मजाहिब, उन्होंने साबित कर दिया कि अलहदीसों के अलावा बाकी सारे के सारे अलग अलग मजहब हैं, ये सब मतलब इस्लाम का हिस्सा नहीं है। तो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि ये अंदर विद इन मुस्लिम समाज में ये मदरसे कहाँ लेके जा रहे हैं, क्या एकता ला रहे हैं। जैसे कहा जाता है कि पसमादा मुसलमान जो है ये आंदोलन जो क्या कर रहा है, ये फूट पैदा कर रहा है, ठीक है, और मदरसे इस्लाम को बचा रहे हैं। क्योंकि अभी आपने जो बात बोल दी मदरसे रिफॉर्म के ऊपर, अभी इसको ला के योगी जी से जोड़ेंगे, भाजपा से जोड़ेंगे, तो मैं अभी से सारी बातें आपसे बोल दे रहा हूँ, ये होने वाला इस पे आप टिप्पणी दे ले, फिर मैं फैयाज भाई के पास आता हूँ। मदरसा रिफॉर्म पर मैं खुद एक मदरसे का सेक्रेटरी हूँ, और इस हमारा मदरसा मेरे मोहल्ले का वो किसी का जाति नहीं है, आवाम का है, तो मैं खुद उसका सेक्रेटरी हूँ। जब मैं सेक्रेटरी बना, मैं थोड़ा वसूली आदमी हूँ, तो मैंने सोचा जब मैं बना कि अगर मेरा बेटा, मैं अपने बेटे को यहाँ नहीं पढ़ा सकता, मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ कि अपने बेटे को अगर मैं इस मदरसे में नहीं पढ़ा सकता, ऐसा सिलेबस इसका नहीं है कि मुझे पढ़ाते हुए दिक्कत महसूस हो रही है, फिर जो बच्चे इस मदरसे में पढ़ रहे हैं उनको मैं कैसे वो सिलेबस पढ़ा सकता हूँ। तो मैंने सबसे पहले सिलेबस चेंज किया, 1 से 8 तक का है, उसके बाद फिर हाफिजा है। तो मैंने कहा कि जिन्हें हाफिजा पढ़ना है, जिन्हें मौलानगी पढ़नी है, वो 5 के बाद 8 के बाद जितना भी पढ़े हैं उसके बाद जाके वो कुरान और चीजें पढ़ेंगे, वो उस लाइन में चले जाएंगे। लेकिन सारे बच्चे हाफिजा मौलाना तो बनते नहीं, तो ये छोटे छोटे बच्चे, इनको कम से कम जो बेसिक तालीम है, मेन स्ट्रीम की तालीम है, वो दी जाए, ताकि आगे चल के अगर इनको कहीं और कुछ और पढ़ना है तो इनको कम से कम वो दिक्कत तो महसूस ना हो। तो मैंने सबसे पहले मीडियम चेंज किया, उर्दू की जगह
मीडियम लाया, राष्ट्रभाषा को लाया, और उसके बाद मैंने पूरा सिलेबस चेंज किया, 1 से 8 तक का कराया, और अपने बच्चे का नाम मैंने लिखाया। मैंने कहा कि मैं अपने बच्चे को इसमें नहीं पढ़ा सकता तो दूसरों को मैं कैसे वो चीज पढ़ा सकता हूँ। तो मदरसा रिफॉर्म मेरा बीजेपी आज कह रही होगी, मैं जैसे बना मैंने तुरंत ये परिवर्तन किया है। तो मदरसा रिफॉर्म मेरे जहन में जमाने से था, मेरे पास पावर नहीं थी, मेरे पास कुछ अख्तियार आए, लोगों ने भरोसा किया दिया, तो मैंने 15 दिन के अंदर सिलेबस चेंज किया। तो ये चीज तो ये ना कहें। और दूसरा आपका क्या था, सारे मसलक वाले दे, ये तो देखिए सारे मसलक की समस्या, मैं तो आपसे पहले भी कहा हूँ आप ही के शो पर कि मदरसे इस्लाम को बचाते हैं, ये बोला जाता है ना, इस्लाम को नहीं बचा रहे। मैं तो आपसे पहले भी आपके शो पर बोला हूँ कि ये अपने फिरके की पढ़ाई कर रहे हैं, ये इस्लाम की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। मैंने बड़ी अच्छी मिसाल दी थी कि 8 साल वही कुरान वही हदीस पढ़ता है बरेलवी, और मौलाना बनता है कहता है रसूल को गैब का इल्म है, वही कुरान वही हदीस पढ़ रहा है देवबंदी मदरसे में, बाहर निकलता है कहता है गैब का इल्म नहीं मौलाना देवबंदी का। तो ये अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन है, ये अपना फिरका बचा रहे हैं, फिरका पढ़ा रहे हैं, इस्लाम पढ़ाया ही नहीं जाता मदरसे में, ये तो नौटंकी बतिया रहे हैं, नौटंकी बाज है ये क्या बताएंगे इस्लाम क्या है, इनको इस्लाम सीखना हो। तो ये पसमानदा तहरीक के पास हमें पसमानदा तहरीक इनको बताएगा इस्लाम है क्या, और मैं अच्छा, चैलेंज करता हूँ। मैं इस पे मैं इस बात बोल दूं कि आप लोग याद भाई और नूरलैन भाई और फाकिर भाई, आप तीनों की यही बातों से इन लोगों ने एक ट्रोल करना शुरू किया था कि ये पसमानदा वाले नए इस्लाम पैदा कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने बोल दिया था ना कि हमारे पास आओ या कि हम इस्लाम की जो पसमानदा व्याख्या पेश करेंगे कि पसमानदा नजरिए से देखेंगे। तो इसको ट्रोल ये किया है कि इनका असली मकसद इस्लाम में नया मसलक नया फिरका बनाना है, और ये लोग जो है इस्लाम को इससे डिस्टॉर्ट करने इससे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उसका जवाब दे फयाज भाई से भी जवाब दूंगा, क्योंकि फयाज भाई को ट्रोल किया। देखिए इस्लाम की आज तक 3 ताबीर की गई, एक सल्फी ताबीर की जिसमें आप बड़ा नाम ले सकते हैं इधर, अगर जैसे वो इब्ने कसीर साहब को आप ले लीजिए, या उसमें उसको इंतहा तक पहुंचाया मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब या इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह, ये सल्फी ताबीर इस्लाम की है। दूसरी ताबीर हुई सूफिज्म, जिसको आप कह सकते हैं कि वो बड़ा नाम है, वो अरतुरुल गाजी में भी उनको दिखाया है, इब्ने अरबी साहब को आप कह सकते हैं, या इसको इंतहा तक पहुंचा दिया इधर शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी वगैरह, ईरानी थे ये, इमाम गजाली साहब जी जो भी थे, इमाम गजाली साहब हैं, इन्होंने उसको इंतहा तक पहुंचाया सूफिज्म ताबीर को। और आप सियासी ताबीर अबू लाला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह, मैंने इस्लाम उनको ही पढ़ के जाना है, एक चीज जान लीजिए अलग मेरे इख्तलाफ बहुत ज्यादा थे। तो एक सियासी ताबीर हुई है, इस्लाम की समाजी ताबीर आज तक हुई ही नहीं, वो हम करेंगे। तो इस्लाम की और समाज में, इंसान समाज में रहता है, हम सामाजिक ताबीर समाजी ताबीर करने जा रहे हैं, और इस समाजी ताबीर ही सही ताबीर होगी। किसी को इस्लाम अगर सीखना है तो वो पसमानदा तहरीक से जुड़े, हम उसे समाजी ताबीर बताएंगे आगे। दोबारा आपने एक दे दिया लुकमा, अब दोबारा से बात होगी। चलिए ठीक है फैयाज भाई, आप बोलिए फिर मेन सवाल पे आते, इस पे बोल लीजिए पहले। देखिए नूरुल्लाह साहब जो मुस्लिम समाज में सांप्रदायिकता है और कट्टरता है उसके लिए मदरसों को कसूरवार बता रहे थे, तो मैं उसमें कुछ ऐड करना चाहता हूँ। देखिए सिर्फ मदरसा कह के आप जो है उन तमाम इस्लामिक संगठनों को या मुस्लिम और इस्लाम नाम पे चलने वाले इस देश में जो संगठन है, जमीयतुल उलमा हिंद है, तबलीगी जमात है, जमात इस्लामी है, दावत इस्लामी है, मिल्ली काउंसिल है, और भी जितनी जो ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, इस तरह के जितने संगठन है, विशेष रूप से मैं तबलीगी जमात को ज़्यादा एड्रेस करता हूँ क्योंकि मैं तबलीगी जमात में रहा हूँ, मैं 10-15 साल रहा हूँ मैं, उनको अगर आप क्लीन चिट देते हैं तो ये बड़ी, आप मदरसा बंद करके भी अगर इन तहरीकों को नहीं बंद करेंगे तो आप मुस्लिम कट्टरता को नहीं रोक सकते। सब में एक ही बात बताई जाती है, एक ही तरह का नैरेटिव सेट किया जाता है, अलगाववाद का नैरेटिव सेट किया जाता है, डोमिनेंसी और कि तुम ही प्रभुत्व हासिल होगा, इस तरह की नैरेटिव सेट की जाती है, और मैं मदरसों से ज्यादा इनको जिम्मेदार समझता हूँ ये जो इस्लामिक और
मुस्लिम संगठन। और मैं एक बात बता दूं, मुस्लिम सांप्रदायिकता का गढ़ भारत है, पूरी दुनिया में आप देख लें मुस्लिम सांप्रदायिकता का गढ़ जो है भारत है, और भारत में भी उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश में भी ये चंद देवबंद है, बरेलवी है, जामिया सल्फिया है, बनारस, जितने बड़े माइथोलॉजी हैं, चाहे देवबंदी हो, बरेलवी हो, अलहदीस हो, सबके बड़े मदरसे और गढ़ देवबंदी है। देखिए तालिबान अफगानिस्तान में है लेकिन वो उत्तर प्रदेश उसका सोर्स है, दारुल उलूम देवबंद। अगर जमीयतुल उलमा हिंद के पास भी पूरा हिंदुस्तान आ जाए और उनको हुकूमत करना हो तो बिल्कुल उसी तरह हुकूमत करेंगे जैसे तालिबान कर रहा है, क्योंकि दोनों की आइडियोलॉजी, दोनों के बुजुर्ग एक हैं, दोनों के आइकन्स एक हैं, दोनों का इस्लाम एक है। तो इन इस्लामिक संगठनों को मैंने एक लेख भी लिखा था तबलीगी जमात पर, देखिए सरकार इनको बैन करे या ना करे लेकिन हम इतना जरूर चाहते हैं कि इन संस्थाओं पर कंट्रोल जरूर होना चाहिए गवर्नमेंट का, जैसे यूनिवर्सिटीज पे कंट्रोल होता है यूजीसी का, उसी तरह ये जो इस्लाम के नाम पे जो मदरसे और जो संगठन चल रहे हैं इनके ऊपर यूजीसी की तरह किसी संस्था का कंट्रोल होना चाहिए, जो इनके स्टेचुटरी बॉडी हो और सारा कुछ देख रेख में होना चाहिए। इनको इनको फ्री हैंड नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं फ्री हैंड देना चाहिए? इनको लीड करता है अशराफ वर्ग, और अशराफ वर्ग मशकूक है, संदेह में है, क्योंकि उसकी विचारधारा, वो बाहर से आया हुआ है, उसकी विचारधारा होती है कि जो है ये देश को हमने तलवार से जीता इसलिए ये हमारा देश है और हम शासक बन के पैदा हुए, बाकी लोग शासित बन के पैदा हुए हैं। इस तरह की जो मेंटेलिटी नूरुल्लाह ज़िया साहब कह रहे थे उसकी परवरिश होती है, उसका नरिशमेंट होता है, उसको पोषण दिया जाता है। इस पे कंट्रोल तो जरूर होना चाहिए भारतीय सरकार का, कोई एक स्टेचुटरी बॉडी बनाकर। जी।, जी और दूसरा क्या था सवाल आपका? हाँ दूसरा इस्लाम की व्याख्या वाला, मैं उसका भी जवाब दे दूं। देखिए ऐसा है, अशराफ लोगों ने 500 मसलक बनाए हैं, मसलक चार नहीं है, 500 से कम नहीं है। एक सैकड़ा तो हम बता देंगे, फलाना इमाम, ढिमकाना इमकान, टेढ़ा इमाम, सीधा इमाम, उल्टा इमाम, लंबा इमाम, कावा, दुनिया भर के मसलक हैं, ठीक, सैकड़ों बने हैं। भारत में चले आए देवबंदी, बरेलवी, वहाबी, नजदी, फलाना ढिमकाना, 50 छोई हैं, सब अशराफ लोगों ने बनाए हैं। एक तो पसमांदा बना रहे थे, इतना तकलीफ काहे को, जबकि हम बना नहीं रहे, हम कुछ नहीं बना रहे हैं। देखिए हम कर क्या रहे हैं ये भी हम बताते हैं, लेकिन मैं मान लेता हूं कि हम एक नया इस्लाम बना रहे हैं तो काहे को तकलीफ है भाई आपको, काहे आप बनाएंगे हम नहीं बनाएंगे। हम भी अब पढ़ लिख गए हैं, अब खेत में कटिया बिनिया नहीं कर रहे हैं, हम भी कुरान पढ़ रहे हैं, फिका पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है, हर चीज अवेलेबल हो गया। तो अगर हम बना रहे हैं तो आपको तकलीफ क्यों है, पहली चीज। दूसरी चीज कि हम कोई नई चीज नहीं बना रहे, हम इस्लाम के जैसा कि नूरुल्लाह साहब ने कहा कि सामाजिक स्वरूप है जो इस्लाम का, हम उसको आखिरी खुतबा पसमांदा ने नहीं दिया है, बहुत जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूं, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने यह आखिरी खुतबा दिया, आपने इसको जमीन के अंदर गाड़ दिया है, हम इसको ऊपर ले आ रहे हैं, आपको तकलीफ हो रही है। मिसा के मदीना आपने गाड़ दिया जमीन के अंदर, हम इसको ऊपर ले आ रहे हैं, आपको तकलीफ हो रही है। हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असल दीन को ला रहे हैं, हम कोई प्यूरिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, उस चीज को ले आ रहे हैं जो सामाजिक सौहार्द को बढ़ाई दे, जो कई एक कल्चर को आपस में मिल के रहने के लिए जो प्रमोट करता है। वो आखिरी खुतबा जिसको सोशल जस्टिस जिसके अंदर है उसको हम ला रहे हैं। हम अपने मुस्लिम समाज को बता रहे हैं कि देखो सोशल जस्टिस संविधान में तो ही है, हमारे मजहब में भी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखो यह हदीस का है। आप देखिए तलाक की किताब, नमाज रोजा की किताब, छोटे छोटे मसलक की, छोटे छोटे मसाइल की किताब आपको दर्जनों उर्दू दुकानों में किसी शहर में मिल जाएगी, लेकिन आखिरी खुतबा की किताब आप ढूंढने चलेंगे आपको बड़ी मुश्किल से कोई किताब मिलेगी। और जुमे का खुतबा ले लीजिए, तमाम इस्लामिक तहरीक तबलीगी जमात जमात इस्लामी किसी को आप आखिरी खुतबा पे तकरीर करते हुए नहीं देखेंगे, इल्ला माशाल्लाह कभी किसी ने कह दिया तो कह दिया। क्यों भाई आखिरी खुतबा पे आपको बात करने में क्या जा रहा है? आप योम गदीर का खुतबा ले आते हैं, इतरत रसूल का कॉन्सेप्ट ले आते हैं, सैयदवाद का कॉन्सेप्ट ले आते हैं तो ठीक है साहब, हम उस पर सवाल उठा देते हैं तो आपको तकलीफ होने लग रही है। जी 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 मैं पहले जोड़ दूं फिर मैं करता हूं। पहली बात तो ये किताब है, मैं उसको जिक्र कर दूं, ये योगेंद्र सिगन की किताब है, इन्होंने बड़ा अच्छे से मदरसे के ऊपर लिखा है और बताया कि क्या मध्यकाल में मदरसे जो थे उसमें जो है पसमादा मुसलमानों को एंट्री नहीं थी उन मदरसों में, मकतब तक मतलब थी, मतलब अली बेस तक सीख ले, लेकिन ऊपर के जो पद था उनकी शिक्षा पे उनका कंट्रोल नहीं था, ना उनको पढ़ाया जाता था। तो इस तरीके की ये किताब, इसको पढ़ेंगे तो इसमें बहुत से आज के
आज तक के बहुत सी बातें इसमें लिखी है। दूसरी बात देखिए फयाज भाई, आपसे पूछना जरूरी है क्योंकि ये बात की जाएगी। कहा जाता है कि तबलीगी जमात जो है ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ना ये पॉलिटिक्स पे कोई बात करती है, और इस पर कभी प्रतिबंध इसलिए नहीं लगा क्योंकि ये कभी ऐसी राजनीति की बात ही नहीं करती, तो ये तो जमीन के नीचे और आसमान के ऊपर की बात करती है। ये बहुत मशहूर है जो कहा जाता है। मैं इसका जवाब देता हूँ, पहले इसका जवाब ले ले आप। जी हाँ, अच्छा, बोले बोले आप बोले आप बोले आप बोले आप बोले दूसरा सवाल। दूसरी बात ये कही जाती है कि देवबंद वो मदरसा है जिसने आतंकवाद और तालिबान के खिलाफ फतवा दिया था, तो आप जो है देवबंद वो मदरसा है जिसने कश्मीर को भारत का आंतरिक भाग रहने के लिए फतवा दिया था, तो आप देवबंद को इतना निगेटिव क्यों लेके जाते हैं? ये दोनों सवाल है, आप इसको दे रहे, फिर मैं नूरलैन भाई बहुत देर से बैठे उनके पास जाऊंगा। देखिए मैं फिजिक्स पढ़ा हूँ और निगेटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जानता हूँ मैं, निगेटिव को निगेटिव ही कहना पड़ता है। देखिए एक तकैया एक कॉन्सेप्ट होता है, मैं देवबंद वाले पे बाद में आऊंगा, पहले आपका जो सवाल था क्या था, तबलीगी जमात को लेकर। देखिए अशराफ के बहुत से टूल हैं, वो बहुत चतुर प्राणी है, वो शासक वर्ग रहा है, राजनीति में निपुण है, उसका कम पढ़ा लिखा बच्चा भी जो 10-15 साल का जो बच्चा है जो कहीं स्कूल कॉलेज में तालीम नहीं लिया है, फिर भी वो राजनीतिक एतबार से बहुत कौशल होता है उसके अंदर, तो चूंकि वो शासक बन रहा है उसके ब्लड में है, तो वो जानता है किस चीज को कैसे कंट्रोल करना है, कब कहाँ नैरेटिव सेट करना है। तो तबलीगी जमात ने ये एक अशराफ का एक पैंतरा है, वो कहता है कि नहीं साहब जो है हम पॉलिटिकल नहीं है। ये देखिए मैं कहता हूँ कि तबलीगी जमात सूफीज्म पार्ट टू है। ये क्वेश्चन सभी सामने से हटाए तो डिस्टर्ब हो रहा हूं मैं, फिर आप ले आइएगा मैं एक-एक का जवाब दूंगा। जी देखें तो ये सूफीज्म भी ये बात कहती थी कि हमारा पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, हम लोग सूफी लोग हैं, बस अल्लाहू करना जानते हैं, जबकि आप जानते हैं कि सूफीज्म जो है आध्यात्मिक पॉलिटिक्स का एक स्वरूप है, वो अब साबित हो गया। इसीलिए मैं तबलीगी जमात को हमेशा सूफीज्म पार्ट टू कहता हूँ। तबलीगी जमात के जो लोग इस जो अशराफ ये कहे या कोई भी अशराफ का संगठन ये कहता है कि मैं नॉन पॉलिटिकल हूं, समझिए वो सबसे बड़ा पॉलिटिकल है। आप जब 40 लाख की भीड़ लगाते हो, ठीक, और उसका जब उसका जो प्रेसिडेंट है, उसका जो सर्वोच्च नेता है, वो अगर कोई बात कहता है गवर्नमेंट से या किसी नीति को बात करता है, तो गवर्नमेंट डरी रहती है कि इसके पीछे 40 लाख की भीड़ है, आप कैसे पॉलिटिकल नहीं है। और ये जो जमीन के ऊपर आसमान के नीचे की बात करते हैं, आप जो नैरेटिव सेट कर रहे हैं, मैं तबलीगी जमात में रहा हूं, इस्लाम सबसे अच्छा मजहब, देखिए आप कहते हैं कि इस्लाम अच्छा मजहब है, ये बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई, लेकिन जैसे ही आप कहते हैं कि इस्लाम दुनिया का सबसे अच्छा मजहब है, इसका मतलब कि खराब मजहब भी है। आप सबसे अच्छा जो लगा देते हैं कि आपसे अच्छा कोई नहीं है, ये अच्छी बात नहीं एक ऐसे देश में जहाँ कई धर्मों के लोग हैं। दूसरी चीज, जो नैरेटिव तबलीगी जमात में तैयार होता है वो कहते नहीं है, लेकिन वो बताते हैं कि जो है जब उसमें आप कुछ दिन रह जाएंगे तो आपके दिमाग में यही होगा कि हम सारी दुनिया में इस्लामिक हुकूमत ले आएंगे, सबको सुन्नत पे ले आएंगे, जो उनका देखिए, और वो इस्लाम कहते जरूर है इस्लाम मुसलमान, लेकिन वो पूरा देवबंदी स्टाइल का, तालिबान स्टाइल का तबलीगी जमात भी देवबंद की ही एक शाखा है, उसी तरह के मसलक है, जो फजाइल अमाल किताब लिखी है देवबंदी आलिम ने लिखी, उसमें भी उसी तरह के, उसको अहले हदीस उलमा बहुत अच्छा उसका पोस्टमार्टम करते हैं फजाइल अमाल किताब का, उसमें भी उसी तरह की बातें लिखी। वो जो नैरेटिव दिमाग में तैयार होता है कि हम सबसे अच्छे कौम है, हम दुनिया में हुकूमत करने के लिए पैदा, पूरी दुनिया में इस्लाम ले आना है, और इस तरह का जो तबलीग का मतलब ही पूरी दुनिया में इस्लाम, तबलीगी जमात में तो बात खुलेआम कही जाती है कि साहब हम मुसलमानों में काम जरूर कर रहे हैं, लेकिन हमारा मकसद पूरी दुनिया में इस्लाम ले आना है। और हम लोग को झूठी झूठी कहानी सुनाते हैं कि फलाने जगह जमात गई थी इंग्लैंड में तो वहां इतने मुसलमान हो गए, अफ्रीका में गई तो इतने मुसलमान हो गए, इतना ये लोग मुसलमान बताते हैं, तो आज तक नंबर, अब तक तो पूरे 20 साल से मैं तबलीगी जमात को देख रहा हूं, अब तक पूरी दुनिया में मुसलमान ही मुसलमान हो गए होते। तो ये जो नैरेटिव सेट होती है ना, उस पर हमारा एतराज है। एक सेकुलर देश में किसी एक संप्रदाय का संप्रदायिकरण बहुत अच्छी चीज नहीं है, वो मुस्लिम संप्रदायिकता हो जाती है, इसलिए हमने कहा कि इन सारे संगठनों को कंट्रोल होना चाहिए। जी अगला सवाल ये था कि आखिरी खुतबा कहा था फैयाज भाई ने, मैं उस पर एक चीज जोड़ लू, ये आखिरी खुतबे पर तकरीर हमारे यहाँ होती, आखिरी खुतबे की तकरीर अक्सर होती है, लेकिन होती यह है कि मैं तुम में दो वजनी चीजें छोड़े जा रहा हूँ, एक कुरान एक सुन्नत, हमारे यहाँ कहते हैं कुरान और अहले बैत। तो आखिरी खुतबे पे जब गदीर का खुतबा है, आप ये समझ नहीं, गदीर का खुतबा आखिरी खुतबे के बाद दिया गया था गदीर की जगह पर, इसीलिए ये गदीर मनाई जाती है। जी तो वो कहते भी है
तो वो कहते दो वजनी चीजें छोड़े जा रहे हो, एक कुरान, दूसरे अहले बैत, और अहले बैत की तो इनकी इंटरप्रिटेशन है, तभी आज तक वाले आ गए। तो ये आखिरी खुतबे का जिक्र भी करते हैं तो वो अहले बैत तक आते हैं, बस ये मैं मुझे इतने कहना था जी। अभी आप पहले जवाब दे लें, ये क्या नाम है, हाँ देवबंद के बारे में, स्क्रीन पे कुछ स्क्रीन पे कुछ खुतबे आए थे, कुछ क्वेश्चन आए थे स्क्रीन पे, क्वेश्चन मैं क्वेश्चन आखिरी में ले लूंगा ना, जितने और भी सवाल आपको करने हैं, जो भी सुन रहा है, जो भी श्रोतागण है, वो सवाल अपने लिखते रहे, एक साथ सब सवाल ले लिया जाएगा, बस एक एक सवाल लेना है हमको अभी आपसे। आपने उसका जवाब नहीं दिया कि देवबंद जो था जिसने तालिबान और आतंकवाद के खिलाफ फतवे दिए थे, कश्मीर में भी, कश्मीर के पक्ष में इसने फतवे दिए थे कि कश्मीर भारत का आंतरिक भाग है। देखिए तो हाँ, मैं बता रहा हूँ देखिए, पक्ष और विपक्ष अशराफ दोनों मेंटेन करने भाई, यही देवबंदी लोगों ने पाकिस्तान बनवाया, इससे ये क्या ये गलत बात है? शब्बीर उस्मानी कौन थे, मुफ्ती शफी उस्मानी कौन है, जितने जमीयतुल उलमा, अभी जो जमीयतुल उलमा हिंद वहां पे है, जमीयतुल उलमा जो है वहां पे पाकिस्तान के अंदर, हाँ तो वो कहती है कि हमने पाकिस्तान बनवाया, हाँ यहाँ का जमीयतुल उलमा वाला कहता है कि हम बंटवारे का हमने विरोध किया। हमें तुम लोग पहले बैठ के तय कर लो कि तुम लोग किए क्या हो, पाकिस्तान बनवाए हो कि देश बचाए हो, दोनों जने बैठ के तय कर लो, एक स्टेटमेंट दो, हम उसका जवाब दे रहे हैं। अभी कब तक बेवकूफ बनाओगे भाई साहब? उधर वाला कह रहा है कि हम पाकिस्तान बनाए हैं, इधर वाला कह रहा है कि जो है कि नहीं हम हिंदुस्तान को बंटने से बचाए, और दोनों साड़ू है, शादी बिहार, अभी वो कौन सा जमाते तबलीग, क्या नाम है ये जमीयतुल उलमा का जो लीडर है उधर का पाकिस्तान का पॉलिटिकल, जब इंडिया में आया था देवबंद में उसका ऐसा स्वागत किया गया था जैसे कुंभ का बिछड़ा हुआ मेला, मेले में भाई मिल गया है, खलीफा कोई आ गया बगदाद से इनका, इस तरह से ये जो लहसुन की तरह सटाए हो, लहसुनिया के एक-एक को हम लोग छील के निकाल रहे हैं, तो आपको तकलीफ हो रही है? देखिए देखिए, अब मैं बात बता दूं, एक चीज जान लीजिए, हो सकता है लेनिन को पता हो या ना पता हो तो जान ले, जब मसूद अजहर के लिए प्लेन हाईजैक हुआ था, हाँ, अटल जी की सरकार थी तो उनकी बड़ी लंबी मांगे थी लिस्ट की, उनकी हाईजैक करने वालों की, तो वो लोग कंधार में जब रुके तो स्पेशल फोन के द्वारा देवबंद से बात कराई गई तालिबान की, तो उनकी वजह से उन्होंने सारी मांगे इनकार कर छोड़ दिया, कहा हमको मसूद अजहर और वही जो दो और थे, कहा उनको दे दीजिए बाकी मांगे हम छोड़ देंगे, तो वहां भी तालिबान से बात देवबंद की बात का असर हुआ है। तो बाकी अब आप ये जान लीजिए अंदर से मामला क्या है। देखिए देवबंद को तालिबान तहरीक अपना फादर मानती है, अपने मूवमेंट का वो पिता और मदर मानती है उसको। अब आइए मैं देवबंद की, इंडियन देवबंद की बात करता हूँ, ये जो तो ये मैं हमेशा कहता हूँ कि ये राष्ट्रवाद की चादर ओढ़े हुए हैं। तकैया जो माना जाता है, हमको ये बताया जाता है कि शिया मजहब में है, तकैया सुन्नियों में भी है, और ये तकैया करके बैठे हुए हैं। हम कह रहे हैं कि आज अगर जमीयतुल उलमा को मौका मिल जाए भारत में तो वैसे ही हुकूमत करेंगे जैसे तालिबान करेंगे, एक सुई के बराबर, धागे के बराबर भी फर्क नहीं है। यहाँ सेकुलरिज्म डेमोक्रेसी है तो उसमें वो छुप के काम कर रहे हैं। देखिए देवबंद में पूरी सिलेबस आप देख लीजिए, देवबंद की मेंटेलिटी देख लीजिए, उनकी विचारधारा देखिए, जमीयतुल उलमा जो है उसी उसी नजरे पे, वो कह दे कि हम मुफ्ती शफी उस्मानी को हम अपना आइकन नहीं मानते, वो कह दे कि शब्बीर उस्मानी को हम अपना आइकन नहीं मानते, वो कह दे कि जो अशरफ अली थानवी को हम अपना आइकन नहीं मानते, वो कह दे ऐलान कर दे, कह दे कि फैयाज झूठा है और हम मुफ्ती शफी उस्मानी ने जो गंदी गंदी हदीसें लिखी अल्लाह के रसूल के नाम पे उसका इनकार कर दे, ये जमीयतुल उलमा हिंद से कहिए कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसका इनकार कर दे, देवबंद के मोहतमिम से कहिए कि उसका इनकार कर दे, कर पाएंगे? ये मीठा मीठा गब गब कड़वा कड़वा थू थू नहीं चलेगा, अब घुड़नसिया पकड़ ली गई है जी। तो ये सब झूठ है, ये अपने झूठ को छुपाने का हुनर जानते हैं, बहुत खूबसूरती से अपने झूठ को छुपाते हैं। मैं अगर जब तक मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय को एड्रेस करके जो दबी कुचली देशज पसमानदा मुसलमान, उनको जब तक आप आगे नहीं लाएंगे मुख्य धारा के विमर्श में, ये अशराफ मुसलमान पब्लिक को भी कंफ्यूज करेंगे, सरकार को भी कंफ्यूज करेंगे, और सांप्रदायिकता हमेशा इस देश के अंदर बनी रहेगी। आप हिंदू सांप्रदायिकता को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे जब तक मुस्लिम सांप्रदायिकता को नहीं कंट्रोल कर लेंगे, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। आप जब तक वायरस बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक नहीं देंगे, जब तक बुखार नहीं उतरने वाला है, हिंदू सांप्रदायिकता बुखार है,
और मुस्लिम सांप्रदायिकता कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है। अच्छा, इस पे एक पाकिस्तान में मूवमेंट चलाते हैं कि वहां पे सेकुलरिज्म बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लादीनियत बोलते हैं सेकुलरिज्म को, धर्मनिरपेक्षता को, लादीनियत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और भारत में उसी के नाम वाले संगठन जो हैं वो कहते हैं कि हमें सेकुलरिज्म चाहिए। तो समझ में नहीं आता कि क्या मामला है भैया, वहां पे जमाते उलमाए पाकिस्तान बिल्कुल वहाँ के बिल्कुल यही ऑफिशियल स्टेटमेंट है वहाँ के जमीयतुल उलमा का पाकिस्तान का कि हमें सेकुलरिज्म नहीं चाहिए, और यहाँ के जमीयतुल उलमा का ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि हमें सेकुलरिज्म चाहिए। यानी देखिए ऐसा है, ऐसा समझिए, अशराफ चाहे देवबंदी हो, बरेलवी हो, शिया हो, सुन्नी हो, फलाना हो, ढिमकाना हो, ऊंचा हो, नीचा हो, चाहे जो हो, उसका सिर्फ एक मकसद है, उसकी सत्ता और वर्चस्व। इसके लिए वो कुरान में भी आगे पीछे करते हैं, हदीस में भी आगे पीछे करते हैं, फिक्र में भी आगे पीछे करते हैं, वो हर चीज करेंगे जिससे उनका सत्ता, अब उनके सत्ता वर्चस्व पगड़ी बांध लेने के या दाढ़ी रख लेने से हासिल होता है तो वो काम करेंगे। अभी क्लीन शेव होकर कोट टाइप पहन के जिन्ना बनने की वजह से उनका सत्ता वर्चस्व है तो जिन्ना बन जाएंगे, अशरफ अली थान भी बन जाएंगे, और कोई कम्युनिस्ट का एक बढ़िया नाम बताइए, मुजफ्फर हुसैन बन जाएंगे, मतलब जो चाहिए बन जाएंगे, इनके सत्ता वर्चस्व बना रहना चाहिए। जी अच्छा, अब सवाल लेना शुरू करते हैं, जो भी सवाल करना चाह रहा सवाल कर ले, किसी के सवाल को हम छोड़ेंगे नहीं, जो भी कितना जो भी आपके मन में सवाल हो ऊपर से देखना शुरू कर दो। अशराफ इस पे भी आ रहा होगा, इसी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, अशराफ मौलवी अभी भी मस्जिदों में मेंबर पे पसमादा को बरगलाता है, इस पर क्या विचार है? कि वो कह रहे कि वीडियो जो है मतलब जो मस्जिद मेंबर थे वो बरगलाता। नूरलैन भाई आप जावेद अहमद गांधी का कहना था कि मेंबरों पर जो है सरकार का नियंत्रण होना चाहिए, और ये हर वक्त में अपने वक्त के खलीफाओं ने ये काम किया है कि मेंबर जो है उनका वो जुमला मैंने देखा था कि मस्जिदें इसीलिए अल्लाह की नहीं रह गई, देवबंदी बरेलवी अहले हदीस की हो गई, जब सरकार का कब्जा हो जाएगा तो मेंबरों पर जब सरकार का कब्जा हो जाएगा मौलवियों के अलावा तो मस्जिदें तो बंदी बरेलवी अहले हदीस की नहीं अल्लाह की हो जाएंगी। ये भी महत्वपूर्ण। अच्छा एक ये सवाल भी आप ही से मैं कर रहा हूँ। अच्छा जी जी मैं ऐड कर, देखिए खुतबा जो होता है ना वो गवर्नमेंट की तरफ से ही होता है। आप जब शुरू इस्लाम में देखेंगे वो खुतबा जो है हमेशा जो गवर्नमेंट का जो चीफ होता था यानी खलीफा जो होता था, जैसे आज प्राइम मिनिस्टर है वही खुतबा देगा अपनी मस्जिद में, और जो छोटे और जो मस्जिद है वो गवर्नमेंट, जैसे मान लीजिए किसी शहर की जामा मस्जिद है तो उसका जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा वो खुतबा देगा। तो जो सरकारी जो सरकार का चीफ होता है वही खुतबा देता है, ये इस्लामिक सिस्टम है। सरकार का फरमान पहुंचाना मकसद होता है, तो फरमान पहुंचा देते। हम लोग इतिहास में पढ़ते थे कि उसने अपने जुमे की नमाज में अपना खुतबा पढ़वाया, तो पहले समझ में नहीं आता था ये क्या मसला है, फिर बाद में समझ में आया कि खुतबा जो है सरकार का ही होता रहा है। खिलाफत के वक्त में जो खलीफा होते थे उनका खुतबा था, और जो भी सत्ता में था उसने वो अपना खुतबा पढ़वाता था। अच्छा, असल में रियासत को मस्जिद से मुतल्लक करने के लिए एक नमाज फर्ज की गई है, ये हुक्मरान ही की क़यादत में होती है, कोई आलिम ना इसका खुतबा दे सकता है, ना इसके मेंबर पर खड़ा हो सकता है, ना इसकी नमाज की इमामत कर सकता है, इसके लिए सुल्तान का होना लाजमी शर्त है। और पाकिस्तान के मुसलमान जिस जलीलुल कदर फकीह की पैरवी करते हैं इमाम हनीफा, उनकी फ़िक़्ह की कोई किताब उठा के देख लें, उसमें साफ सरीह तरीके पर लिखा हुआ है कि ये जो जुमे के अंदर सुल्तान या इक्तदार का होना है ये मिन शराइत जुमा, ये उसकी शराइत में से। जुमे की नमाज कोई आम नमाज नहीं है, ये स्टेट अथॉरिटीज इस नमाज का अहतमाम करती हैं, चाहे ये हुक्मरान क़यादत में पढ़ा जाएगा उसके अहतमाम में पढ़ा जाएगा। मुसलमानों की इब्तदाई तारीख में खुलफाए राशिदीन के ज़माने में, बनू उमैया के ज़माने में, बनू अब्बास के इब्तदाई ज़माने में इसका कोई तसव्वुर नहीं था, ये हाई ट्रीज़न थी कि कोई आलिम जुमा पढ़ाने के लिए खड़ा हो जाए। आपके ये जलील कदर इमाम है इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफ़ी, इमाम मालिक, कभी किसी ने जुमा नहीं पढ़ाया, कोई सवाल ही नहीं था इस बात का। इसलिए जुमा एक ऐसी नमाज है कि जो हुक्मरान के अहतमाम में उसके तहत पढ़ी जाती है, ये अगर इसके बगैर शुरू कर दी जाए तो इसके नतीजे में कोई मस्जिद खुदा की मस्जिद नहीं रहती, वो फिर देवबंदियों की होती है, बरेलवियों की होती है, अहले हदीस की होती है, शिया की होती है, सुन्नी की होती है, इसके नतीजे में आलमी फसाद बर्पा होता है, और इसके नतीजे में पैरेलल स्टेट वजूद में आ जाती है जिसके बाद फितना ही फितना और कोई चीज़ नहीं। एक सवाल फिर नूरलैन भाई आप ही से है। एक चीज मैं इसमें जोड़ दूं कि खलीफा पढ़वाते थे फिर जो होता था, तो अब सत्ता इन मौलवियों के हाथों में है,
गवर्न तो अब ये पढ़वा रहे हैं। अच्छा, ये सवाल आपसे ही है कि आपको किसने हक दिया कि इस्लाम नया इस्लाम बना ले? कहां, मैं नए इस्लाम की बात कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ फिरकों की जगह इस्लाम लाना। मैं इस्लाम एक ही है, इस्लाम है ही नहीं इस टाइम। मैं फिरकों की जगह इस्लाम की बात कर रहा हूँ। वो भाई साहब शायद समझ नहीं पाए या क्या मेरे विरोध की पट्टी ज्यादा मोटी है आंखों पर तो दिख नहीं पा रहा है। जी फिर लेता हूँ सवाल। ये है हाफिज अहमद साहब का, कुरान और हदीस का भारतीय संस्करण पेश कर रहे हैं फैयाज साहब, भी आपको अभी तारीफ की है। ठीक है, अच्छा आपने देखा है कभी पसमांदा इतनी आसानी से हिंदुओं के तर त्योहार में इतना एडजस्ट करके कैसे रहता है, क्यों रहता है मुसलमान होने के बाद भी, और इसी को अशराफ खत्म करता है तबलीगी जमात में ले जाके, जमात इस्लामी ले जाके। पूछिए क्यों मुसलमान होने के बाद भी हम हिंदुओं के साथ, जैन के साथ, सिख के साथ, बौद्ध के साथ, जिस धार्मिक आस्था जिसका विभिन्न है, बंगाली के साथ, तेलुगु के साथ, तमिल के साथ, जो भाषा ही अलग है, यानी भाषा का विरोधाभास, आस्था का विरोधाभास, कल्चर का विरोधाभास के बाद भी भारत में लोग मिलजुल के रहते हैं, पसमांदा में मिलजुल के रहता है। क्यों अशराफ क्यों नहीं एडजस्ट कर पाता है? क्योंकि भारत के लोग 5000 साल से इन विरोधाभास, धार्मिक विरोधाभास, भाषाई विरोधाभास, कल्चर विरोधाभास के बाद भी साथ रहने के लिए अभ्यस्त हैं। वो पैदा ही इसी में होते हैं कि बगल में चचा को नमस्ते करना है, इधर सलाम करना है, उधर सामने से आ रहे हैं वो दादा के दोस्त है उनको सत श्री अकाल करना है, वो बचपन से करते हुए आ रहा है, तो वो इसमें अभ्यस्त है। लेकिन अशराफ एक समरूप समाज से आया है। अल्लाह के रसूल ने भी जब काम शुरू किया तो उसी कल्चर में कुछ बुराइयों को खत्म किया, कुछ नई चीजें उसमें जोड़ा जो अरबी कल्चर थी। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, वो एक समरूप समाज से आया है, और वो समरूप समाज अरब का और ईरान का समरूप समाज ऐसा समाज था कि उसमें वॉयस ऑफ डिसेंट जिसे कहते हैं, यानी विरोध की आवाज को टॉलरेट करना नहीं था, विरोध की आवाज को पूरी तरह से खत्म कर देना, उसके ऊपर डोमिनेंट हो जाना, यानी जो है सफेद पे गुलाबी, लाल और सफेद का संकर कराएंगे तो गुलाबी हो जाएगा, डोमिनेंट हो जाएगा। तो वो डोमिनेंट का उस कल्चर से आया हुआ है, तो भारत में कंपोज जो विभिन्न कल्चरों के बीच में वो एडजस्ट नहीं कर पाता है, इसीलिए वो डोमिनेंसी वाला अपना कल्चर छोड़ता नहीं है। सदियां गुजर गई, 500-600 साल से अशराफ यहाँ रह रहा है, लेकिन वो अभी भी उस चीज को एडजस्ट नहीं कर पाया। उसके दिमाग में वही सुप्रीमेसी रहती है कि वॉइस ऑफ डिसेंट को हम गालिब रहेंगे, हम डोमिनेंट रहेंगे, वो उसका कल्चर है। और पसमांदा जो है भारतीय मूल का जो मुसलमान है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो ब्राह्मण के साथ भी खाना खा लेता है, होली में जाके रंग भी खेल लेता है, गोजिया भी खा लेता है, वो प्रसाद भी खा लेता है। वो आके तबलीगी जमात वाला कहता है कि प्रसाद खाना आराम है, क्योंकि हम उसी में रह के आए हैं। तो ये कल्चरल डिफरेंस है, देखिए इसमें इस्लाम का कोई दखल नहीं है, इसमें कल्चरल है, जो कल्चर उसकी मानसिकता पे चढ़ा हुआ, हमारा कल्चर दूसरा है, अशराफ का कल्चर दूसरा है। जी जी जी, देखिए दो सवाल है, एक तो दूसरा सवाल पहले ले लेता हूँ, है ना, वो आपकी स्क्रीन पे भी लगेगा, मैं पढ़ देता हूँ। लिखा है कि मदरसों में अगर आप लोगों को कोई एक अच्छी अच्छाई नजर आती है तो उसे भी बताएं। मैं मदरसे से तालीम याफ्ता हूँ, आज माशाल्लाह यूनिवर्सिटी में उस्ताद हूँ। मेरे वालिदैन के पास पैसे नहीं थे, लंबी मुद्दत तक मुझे मदरसों ने पाला है, मेरा ताल्लुक पसमांदा समाज से है। इस कदर मतलब वही पूरी बहुत लंबा सा है, लेकिन वो यही कह रहे हैं कि आपको कुछ अच्छाई है तो अच्छाई पर भी बात करिए मदरसों की, आप खाली बुराई भी बात कर रहे हैं। आप मदरसों की वजह से ही आज मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ। बोलू? हाँ जी जी, मदरसों की मैं आपको अच्छाई बता दू। मदरसे जब खुले तो मदरसों का उद्देश्य ये था कि लोगों तक दीन पहुंचेगा, ये यहाँ पर दीन सीखेंगे, पढ़ेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, ये मदरसों का उद्देश्य था। और आपने देखा होगा एक गरीब के घर में बिजली नहीं, पहले तो बिजली का दौर था, लेकिन मदरसों में पहले बिजली लगी, पंखे लगे, चाहे गरीब पंखे में ना रहता हो, कि क्योंकि उसके नहीं है तो खरीद नहीं पाएगा तुरंत, तो वो मदरसों में ताकि पढ़ने में दिक्कत ना हो। फिर आया दौर ये क्या नाम है, अरे बिजली चली जाती है, इन्वर्टर, तो इन्वर्टर मेरे घर में बाद में लगा, मदरसे में पहले लगा, कि मदरसे में पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, और मदरसों में फीस नहीं लगती, हाफिज और मौलाना जब पढ़ने जाते हैं, और जो उस लायक नहीं रहते खाना भी मदरसे का खाते हैं, कि वो मकसद यही था कि आकर दीन सिखाएंगे, ये मदरसों का उद्देश्य था। तो बहरहाल, तो मदरसों में आवाम ने चंदे के जरिए इनको पढ़ाया कि ये दीन बताएंगे। आप किसी भी गांव में चले जाइए, मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में, मुस्लिम बाहुल गांव में चले जाइए,
एक कोने से शुरू करिए, दूसरे कोने तक चले जाइए, आखिरी दुआ नमाज़े जनाजा है, पूछ लीजिए कितने लोग नमाज़े जनाजा पढ़ते हैं। ये पढ़ते तो अवाम के पैसे से हैं, मदरसे के लड़के निकलते हैं तो तकरीर करने का नजराना लेते हैं, फ्री में नहीं करते। आपको नमाज़े जनाजा पढ़ने वाले देवबंदी तो मिल जाएंगे, क्योंकि तबलीगी जमात ने काम किया है घर घर जाकर, थोड़ा बहुत बहुत काम किया है। तो मदरसों में यही अच्छाई है कि आपने पढ़ा अवाम को, अवाम को लौटाया कुछ नहीं, तकरीर करने आए तो आपने पैसा लिया। अगर हजरत को कोई और आप पढ़ाने लगे, बताइए समाज का क्या भला हुआ, पढ़ाने लगे इन मुश्किल में सैलरी पा रहे हैं ना। आप मदरसे से निकले, आपके माँ बाप पढ़ाने लायक नहीं थे, कितने लोगों को आपने नमाज जनाजा बताया, कितनी तकरीरें आपने बिना पैसा के की। मदरसों की तारीफ आप बताइए क्या अच्छाई है, मैं तो बता रहा हूँ कि ये आपकी अच्छाई है कि पढ़ाया अवाम ने, दिया सब कुछ समाज ने, और आपने समाज को दिया कुछ नहीं। जी जी, बार बार कह रहे, पूरा कमेंट पढ़ दो, मैं वो नीचे पद्मादा आंदोलन के खिलाफ कुछ लिखा वो भी पढ़ देता हूँ। आप लोग खुद एक किस्म, हाँ आप लोग खुद एक किस्म का, स्क्रीन पे डालिए उसको, स्क्रीन पे डालिए, ठीक है। हाँ, क्या पढ़ा नीचे वाला है कि आप लोग खुद एक किस्म का नैरेटिव सेट कर रहे हैं, उम्मत में तफरीक पैदा कर रहे हैं, आप लोगों पर क्यों ना इल्जाम लगेगा, इबलीस भी बहुत पढ़ा लिखा था, वजाहत कीजिए। तो मैं कर रहा हूँ, जी जी मैं कर रहा हूँ। नहीं, हम अच्छा देवबंदी बरेलवी को बरेलवी, अहले हदीस और दोनों अहले हदीस को अहले हदीस दोनों को, सब एक दूसरे को काफिर मुशरिक गुस्ताखे रसूल कहते हैं। कोई किसी की नमाज जनाजा पढ़ ले, तलाक हो जा रहा है, उम्मत में इत्तेफाक कहाँ, वो किस इत्तेफाक की बात कर रहे हैं, इतना बड़ा झूठ ऐसे आप सरेआम बोलेंगे। ये वाकई में मदरसे से फारिग इंसान ही बोल सकता है, इतना सरेआम झूठ आम इंसान तो नहीं बोल सकता। ये ऐसा भाई, अब इस झूठ का मैं क्या जवाब दूं, जो सरेआम एक दूसरे को काफिर गुस्ताखे रसूल मुशरिक कहता है, वो कहता उम्मत में इत्तेफाक। भाई साहब, मेरे रिश्तेदार हैं, अपने नाना की नमाज जनाजा नहीं पढ़ी क्योंकि वो देवबंदी थे। मेरे नाना का इंतकाल हुआ, मेरे नाना के कई रिश्तेदार सिर्फ मिट्टी दिए, कुछ मिट्टी भी नहीं दिए चुपके से, और नमाज जनाजा बहुतों ने नहीं पढ़ी कि निकाह न टूट जाए, क्योंकि मेरे नाना देवबंदी क्या नाम है बैकग्राउंड से आते थे। ये किस इत्तेफाक की बात करते हैं, रिश्तेदारियों में आपने जहर, नहीं एक मिनट, रिश्तेदारियों में आपने जहर बोया है। ये मदरसे वाले झूठे हैं, आप झूठ बोल रहे, उम्मत में कौन सा इत्तेफाक आपने पैदा किया है, की नौटंकी कर रहे हैं, और हम पर क्या इल्जाम लगेगा जनाब। नौटंकी बंद करिए, इनसे कहिए कितने लोगों को नमाज जनाजा इन्होंने सिखाई है। मदरसे वालों की बात कर रहे हैं, नौटंकी बात वहां बताए। जी मैं भी कुछ कहना चाहूंगा, उनका क्वेश्चन स्क्रीन पे लाइए भाई साहब को, मैं बताता हूँ। देखिए, मदरसों में अगर आप लोगों को कोई एक अच्छाई नजर आती है तो उसे भी बताएं। देखिए ऐसा है, मदरसों में अच्छाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मदरसों का कम से कम इतना फायदा हुआ कि उसमें पढ़ के प्रोफेसर मसूद आलम फलाही निकले, उसी में से पढ़ के फैयाज अहमद फैजी भी निकला है। मेरा घर और जो मदरसा हमारे बाप दादा ने उस मदरसे को चलाया है, मैं भी उस मदरसे में पढ़ा हूँ। आज भी हमारे घर के लोग पहले मदरसे में पढ़ते हैं, फिर स्कूल कॉलेज में जाते हैं। तो मदरसा कम से कम उन गरीब पसमानदा लोगों के लिए तो बहुत अच्छा था। वो बाय डिफॉल्ट मदरसा हमारे लिए नहीं बनाया गया था, हमें तो मदरसे में एंट्री भी नहीं थी। वो देश बदला, अब इनको एक भीड़ चाहिए था, भेड़ियों की तरह इनको भेड़ की तरह भीड़ चाहिए था, तो मदरसे में ले जाके कुरान पढ़ाने लगे। कुरान हमको, मैं फैयाज अहमद फैजी डॉक्टर हूँ, भारत सरकार ने मुझे MD तक कराया है, मैं मरीज देखता हूँ, इंसानी जिस्म के साथ उसके इलाज करता हूँ, लेकिन मैं कुरान पढ़ के समझ नहीं पाता, ऐसा मदरसे का सिस्टम है इनका। लेकिन मदरसे में कुछ गरीब लड़के बेचारे जो खाने पीने को मिल जाता है, कुछ उर्दू पढ़ लेते हैं तो कुछ एजुकेटेड हो जाते हैं, ये बात सही है। दूसरी चीज, मदरसे में से पढ़ के बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले हैं, ISPCS भी निकले हैं, मसूद आलम फलाही भी निकले हैं, तो मदरसे का कंट्रीब्यूशन इतना है। लेकिन ये इनका नाम बताइए, महबूब नाम था क्या था? एक तो इन्होंने अपने नाम के आगे, इनके नाम से और इनके DP के प्रोफाइल से नहीं लग रहा है कि मदरसे में पढ़े, इनको बताना पड़ रहा है कि मैं भी मदरसे से पढ़ा हूँ। ठीक है, अभी रहने दीजिए स्क्रीन पे, मैं ये हटा दीजिए स्क्रीन से, मैं बात करता हूँ। जी हाँ, दूसरा जो कह रहे हैं कि मैं मदरसे से पढ़ के यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो गया हूँ, बहुत अच्छी बात है। किसी भी चीज को ना सक्सेस रेट से देखते हैं, आप 5000 लड़कों को पढ़ाते हैं उसमें और 4999 बेरोजगार पैदा होते हैं, या 2000 का मौलवी पैदा होता है, पूरी जिंदगी वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं पाता, और एक उसमें यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर निकल जा रहा है, तो ये कौन बड़का तोप मार दिया आपने? दारुल उलूम देवबंद में कैठो IAS पैदा हुए हैं, कैठो बेरोजगार पैदा हुए। आप अपने बगल में देख लीजिए, मदरसे से जो पढ़ के लड़के आते हैं वो पसमानदा, देखिए धार्मिक एतबार से बरगला के ले जाते कि इस्लाम की रक्षा करना है, उर्दू पढ़ना है, और मदरसे का मीडियम भी तो उर्दू होता है। इनका क्वेश्चन लाइए आगे, मैं एक एक शब्द का इनको वो करता हूं।
थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं, थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं, असल में मदरसों का ये एक योगदान और भी है कि आप प्रोफेसर हो गए, पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपने सक्सेस रेट बताया, लेकिन ये वहां तक नहीं सोच सके, क्योंकि मदरसे जहन को कुंद कर दे रहे हैं। प्रोफेसर होने के बाद भी इनका जहन अभी तक कुंद है, लेकिन सक्सेस रेट भी इनका जहन नहीं है। जी अब आप बताएं। मेरा ताल्लुक पसमांदा समाज से, स्क्रीन पे लाइए जरा पसमांदा, इस कदर तासुब मुनासिब नहीं है। देखिए इसका मैं जवाब दे दूं, इसको हटाइए, स्क्रीन चटा दी। देखिए तासुब की जो बात कर रहे हैं हम, जो है इंसाफ की बात कर रहे हैं। तासुब आपके मदरसों में पढ़ाया जाता है, आप भले ही पसमांदा समाज से हैं लेकिन दिमाग में अशराफिकल माइंड गुजर। देखिए मैलकम रहमतुल्लाह अलैह, मैं बहुत इज्जत से उनका नाम लेना चाहूंगा, मैलकम रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे कि वो अफ्रीकन सबसे ज्यादा डिवास्टेटिंग है, खतरनाक है, विनाशकारी है, जो दिमाग से यूरोपियन और अमेरिकन है। तो ऐसे पसमांजा जो दिमाग से अशराफ है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है, वो अशराफ से भी ज्यादा खतरनाक है। तासुब वाली, तो हम तासुब की बात, हम सामाजिक न्याय की बात, आप मदरसे में जो सिस्टम है क्यों वहां खानदानी लोग होते हैं भाई? ये कहां इस्लाम में लिखा है कि मोहतमी मरेगा तो उसका लड़का ही होगा? ये देखिए, ये भारत सरकार का लोकतांत्रिक सेकुलर सिस्टम है कि ये यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन गए, ये मदरसे में मोहतमी बन पाएंगे जो मदरसा से पढ़ के आए हैं? चाहे जितने इनकी काबिलियत का सम्मान भारत सरकार का सिस्टम ने दिया, यूनिवर्सिटी यूजीसी के सिस्टम ने इनके काबिलियत का, इनके काबिलियत को सम्मान दिया है, इनकी काबिलियत का सम्मान इनका मदरसा ही नहीं देगा, किसी ऊंची पद पे नहीं जा सकते हैं। अब इनका फिर क्वेश्चन लाइए, दूसरा सवाल। अरे अरे भाई हमारा कुछ है, नहीं वो क्वेश्चन पूरा कर दे ललिन साहब, वो क्वेश्चन पूरा होने दीजिए, बहुत इल्जाम लगा है उनको, पेट भर लेके जान दीजिए। हाँ, तासुब वाली जवाब हमने, आप लोग खुद एक किस्म का नैरेटिव सेट कर रहे हैं। देखिए हम जो है पॉजिटिव नैरेटिव सेट कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, ठीक है? अल्लाह ये फिर आगे पढ़ूं क्या है? नहीं उनसे ये पूछ लीजिए, मुझे नहीं सलीके में कमी क्या है मेरे, जुमला तल्ख हो सकता है वो बताओ मैंने क्या गलत कहा। नूरुलायन साहब मुझे बोलने दीजिए, उम्मत में तफरका पैदा कर रहे, इसका जवाब नूरुलायन साहब ने दे दिया। आप लोगों पर क्यों ना इल्जाम लगे, इसका भी जवाब दिया। इबलीस भी बहुत पढ़ा लिखा था, वो वजाहत कीजिए, इसको हटाइए, क्वेश्चन हटाइए, क्वेश्चन हटाइए कि मैं कहूँ। नहीं अशरफ अली थानवी भी बहुत पढ़े लिखे थे, मुफ्ती शबी उस्मानी भी बहुत पढ़े लिखे थे, सारे उलमाए देवबंद बहुत पढ़े लिखे हैं, उस वाले जुमरे में आ रहे हैं। किस मदरसे से पढ़े हैं ये नहीं बताया इन्होंने, किस मसलक के मदरसे से है? मैं अगर ये अपना मसलक और मदरसा बता दे तो मैं उसी मसलक और मदरसे के सारे लोगों को बता दूं, मैं बता दूं, जो सारे लोगों को मैं बता दूं जो इबलीस से भी ज्यादा एजुकेटेड हैं, अजाजील हैं, ये अजाजील के मानने वाला अजाजील के जुमरे में हश्र के मैदान में उठाया जाएगा, उलमाए दीन की हैसियत से ये नहीं उठाए जाएंगे जो कहता है कि इस मुसलमान पैदाइश के आधार पे रजील है, कमीन है, और ये खुद भी कहता है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से कहलवाता है, ये उसमें के ये बददीन लोग हैं, उसमें के ये जो है इस्लाम का शक्ल खराब करने वाले, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तोहमत बोहतान बांधने वाले ये अशराफ उलमा है, जहन्नम इनकी आग से जलाई जाएगी। क्योंकि उसने हजरत आदम के सजदे का इनकार किया और वजह बताई कि मैं आग से पैदा हूँ, आदम मिट्टी से, इसलिए मैं आदम से श्रेष्ठ हूँ। तो जन्म के आधार पर जो अपने को आला और किसी को कमतर समझे वो इबलीसी फिक्र का है, वो इबलीस है, पढ़ा लिखा तो उसका इल्म काम नहीं आएगा। अशरफ अली थानवी साहब ने लिखा, अहमद रजा खान साहब ने लिखा, सैयद उस्मानी साहब ने, ये सारे लोगों ने लिखा कि सैयद अफजल है। तो इबलीस की फिक्र के ये लोग हैं, उस जुमरे में ये लोग आते हैं, वो स्पष्ट मैंने कहा। अच्छा जी, मैं पढ़ा लिखा तो देखिए सुने मैं ये बात करती हूँ, पढ़ा लिखा अशराफ होता है, मॉडर्न एजुकेटेड भी अशराफ है और दुनियात का भी एजुकेटेड है, तो शैतान का लफ्ज जो सादिक आएगा, मदरसे की जबान में कह दूं, शैतान का लफ्ज, अजाजील का लफ्ज जो सादिक आएगा वो इन अशराफ उलमा पे और अशराफ बुद्धिजीवियों पे आएगा, हमारे ऊपर, हम तो गरीब हैं, जाहिल हैं, कम पढ़े लिखे। अरे भाई आप खुद प्रोफेसर हैं, मदरसे से भी पढ़े, प्रोफेसर भी, आप खुद पढ़े लिखे हैं। अच्छा मैं अब आगे चलते, बहुत ज्यादा टाइम दे दिया गया एक सवाल पे। देखिए जो मदरसे के ऊपर हमने मसूद अरम फलाही साहब से भी एक इंटरव्यू लिया था, आप देख सकते हैं यूट्यूब पे, पसमांदा डेमोक्रेसी.com पे, यूट्यूब पर जाके देख सकते हैं पसमांदा डेमोक्रेसी के चैनल पे,
तो मदरसे सिस्टम पे वो होता है। अब मैं एक किताब अभी ये रिकमेंड भी कर रहा हूँ, ये योगेंद्र सिकन की किताब है और बहुत अच्छी किताब है, आप इसको पढ़िए तो इसमें जो है आपको पूरा समझ में आएगा। उसका इतिहास भी है और कैसे पसमांदा समाज का क्या रोल था, कैसे उनको दिखा जाता था। अब इस पे जो है एक साहब है, उन्होंने भी थोड़ा सा तल्क बोला, मैं लगाई देता हूँ, पढ़ लीजिए, कि काश कि आप लोगों ने मदारिस की तारीख पढ़ी होती, आधी अधूरी जानकारी दे रहे हैं आप लोग। तो मैं तो अभी मैंने एग्जांपल दे दी, ये किताब जैसे मैं बहुत सी किताबें, लेकिन मैं जो किताब रिकमेंड कर रहा हूँ तो हमारे कोशिश होती है कि उसमें पसमांदा नजरिया हो, तो इसको पढ़ेंगे उसमें पसमांदा नजरिया भी आपको समझ आएगा। फैयाज भाई मैं मदरसे की तारीख मैं बता दूं, भारत का अवाम के पैसे से चलने वाला पहला मदरसा और इस टाइम मैं समझता हूँ कि वर्ल्ड का दूसरे नंबर का शायद सबसे बड़ा मदरसा होगा दारुल उलूम देवबंद। दारुल उलूम देवबंद क्यों खुला था, कासिम नानौतवी साहब ने लिखा है, ये जाकर पढ़ लें, मदरसे की यही इतनी तारीफ है। उन्होंने अशराफों के लिए बोला था। जी बताएं मसूद आलम फलाही साहब का इंटरव्यू आप देख लें, उन्होंने ये बात जो नूरुल्लैन भाई बोल रहे हैं, उन्होंने अपनी किताब जो उनकी मशहूर किताब है हिंदुस्तान में जात पात और मुसलमान, तो उसी का इबारत पढ़ पढ़ के भी बताया है और उनका कोटेशन दे देखे कि उनका खोलने का क्या मकसद रहा है। तो आप देख सकते हैं, मैं इसलिए यहाँ बात नहीं खींच रहा हूँ कि बहुत लंबी हो जाएगी, ऑलरेडी एक घंटा तारीख हजरत को खुद नहीं मालूम है, लोगों को मालूम नहीं है, ये वो जो मौलवी मौलाना बता दे रहे हैं ये उसको तारीख समझ ले रहे हैं, गलतफहमी यहाँ पैदा हो रही है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि फिरके की जगह जब इस्लाम आएगा सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। जी का क्वेश्चन फिर से ले आइए, ये क्लीन से वाले भाई साहब का क्वेश्चन फिर से ले आइए। अरे क्लीन से बात भी है, नहीं नहीं तो हम तो कहते हैं क्लीन से होना इस्लाम के अतबार से, ये तो कहते हैं कि नहीं ये काफिरों का है, तो आप जब दड़िया रख लीजिए फिर। काश कि आप लोगों ने मदारिस की तारीख पढ़ी होती, आधी अधूरी जानकारी दे रहे हैं आप लोग, ठीक है इनका हटाइए क्वेश्चन। देखिए ये भी एक नहीं सुनिए, देखिए ये भी एक अशराफिकल टूल है कि सामने वाले की तर्क को ना माना जाए, ठीक है, और उसको डिस्क्रेडिट कर दिया जाए, उसके तर्क को उसके दलील को इल्म के दायरे में ना लाया जाए, तो वो कह देते हैं कि जाहिल है, ये अशराफ का बहुत पुराना पैतरा है। अरे मास्टर साहब का लड़का जाहिल है उसको क्या पता, दो बात कहते हैं, एक कहते हैं बहुत पढ़ा लिखा है, और जब बहुत पढ़ा लिखा कहते हैं तो शैतान से जोड़ते हैं कि शैतान भी बहुत पढ़ा लिखा था, मास्टर साहब का भी लड़का बहुत पढ़ा लिखा है, उस तरह से डिस्क्रेडिट करते हैं। दूसरा जाहिल कह के डिस्क्रेडिट करते हैं कि ये पढ़ा लिखा नहीं है, इनको कैसे पता, इनसे हमारी ना मुलाकात है ना जान ना पहचान, इनको कैसे पता कि हमने मदरसे का इतिहास नहीं पढ़ा है, कैसे पता इनको कि हमारे घर के हैं, कैसे जानते कि हमने मदरसे में नहीं पढ़ाई की है कि यूनिवर्सिटी हमने हमने हमारे हमने क्या स्टडी किया, इनको कैसे पता, ये साफ आरोप लगा दे रहे हैं, इन पे तो मनानी का दावा हो जाएगा वकील साहब, इनको कैसे पता कि हम जाहिल हैं, पढ़े लिखे नहीं है। नहीं ये कह रहे मदरसा में दुनिया की बात कर रहा हूँ, देखिए बात इंडियन हो रही है, और अगर आप दुनिया की बात कर रहे हैं तो ये बताइए प्रेस को किसने हराम किया, दुनिया के मदरसे से भारत के बाहर के मदरसे से पढ़े हुए निकले लोगों ने, टेलीफोन पर शहादत को किसने हराम किया, आप माइक को किसने हराम किया, चैन की घड़ी को किसने हराम किया, मदरसे से फारिग लोग सारी चीजों को काफिर घोषित करते हैं, फिर यही मौलाना लोगों की वो किसी ने लिखा था कि मौलाना लोगों का किरदार देख के फिर टेलीफोन मुसलमान हो गया, प्रेस मुसलमान हो गया, चैन वाली घड़ी मुसलमान हो गई, माइक मुसलमान हो गया, सब काफिर रहते हैं शुरू में, मौलाना लोगों का किरदार देख के मुसलमान हो जाते हैं, ये है मदरसों की आपकी तारीफ भाई। जिहालत का भंडार है, जिहालत का भंडार, हाँ टीवी देखिए शुरू में हराम थी, उसके बाद मौलाना लोगों का किरदार देखा मुसलमान हो गई, अभी यूट्यूब पर बड़े दिन तक इन लोगों ने हमला बोला, अब यूट्यूब भी धीरे धीरे मुसलमान होने लगा, कहीं ये अपने असम के भाई है ओहे अहमद, क्या इनका प्रोनाउंस नहीं कर पाता नाम, मैं माफी चाहता हूँ, आपका म्यूट है, म्यूट है, म्यूट है, ओहीउद्दीन भाई बोल रहे कि मैं उनका सवाल लाता हूँ सामने, मेरे मामा जो महिमाल समुदाय से थे, महिमाल समुदाय से थे, सपोरे मौलवी ने उसे जात पात के आधार पर जलील करने का काम किया, मैंने कोई मौलवी वैसे नहीं देखा देखा मानते हैं कि सब मुसलमान बराबर हैं, मतलब वही साहब कह रहे हैं कि इन्होंने अपनी जिंदगी में कोई ऐसा मौलाना नहीं देखा है जो ये कहे कि सारे मुसलमान बराबर हैं, ये बहुत बड़ी बात है, आसाम से आते हैं और आसाम पूरे प्रोविंस जो सेवन सिस्टर्स है उसके ये प्रभारी है पसमांदा आंदोलन के। अच्छा और मैं एक आध और देख लेता हूँ कौन सवाल है,
हाँ ये महमूद साहब दोबारा वो लिख रहे हैं कि आप लोग आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, समाज में अच्छा काम कीजिए, तारीफ होगी। अरे भैया, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करने से ही तारीफ अच्छा होगी? इन जितनी तरक्की हुई इनको है दलितों की, ये वो सारा बुरा काम इनको हो कैसे रहा पता है। कि हम बुरा काम कर, देखिए ये हमारे काम को बुरा करके डिस्क्रेडिट कर रहे हैं। देखिए ये बोहतान बना रहे, मानहानि का दावा हो जाएगा इनके ऊपर। जरा देखिए ये मदरसा नहीं, उनसे कह दीजिए, देखिए मेरी बात, उनसे कह दीजिए मदरसा में नहीं बैठे हैं, भारत आजाद है, लोकतंत्र है, औकात में बात करें। उनको कैसे पता कि हम बुरा काम कर रहे हैं? सामाजिक न्याय की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें, ऐसे शब्दों का, औकात शब्द का अल्लाह प्रयोग के ना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं आप हमारे काम को खराब कर देंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नहीं, आखिरी खुतबे को हम समाज में स्थापित करने की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि गलत काम कर रहे हैं। इनके ऊपर आहनत रसूल का केस फाइल होना चाहिए, गुस्ताखे रसूल का केस इसके ऊपर फाइल कीजिए। हम आखिरी खुतबे की बात कर रहे हैं, ये शैतान कह रहा है कि हम खराब काम कर रहे हैं। अरे अरे भाई, शब्दों की मर्यादा बरकरार नहीं, मर्यादा इनको मदरसे का पढ़ा हुआ है, इसको इतनी भी तमीज नहीं, किससे कैसे बात की जाती है? आप हमारे काम को खराब करेंगे। अच्छा, इसके ऊपर मानहानि का मुकदमा कीजिए, इसने खराब कैसे कह दिया? इन्होंने अपना सामने नहीं, नंबर में मदरसा, मदरसा नहीं है ये मदरसा नहीं है, ये भारत है, ये और टीवी पे बैठ के बात कर रहे हैं। अरे भैया, मदरसों में आप उस्ताद से सवाल नहीं कर सकते, ये सिस्टम अच्छा। दिया है मदरसों में, और मदरसों में बुलाते हैं। अरे एक मिनट, एक मिनट, ये यूनिवर्सिटी में गए हैं, इसके पहले ये मदरसे में रहे, बता रहे हैं ये अपने स्टूडेंट को बुलाते होंगे, कहाँ थे आप? और इनको इनका उस्ताद बुलाया होगा, कहाँ था बे, इधर आ बे, पान लेके आ। ये है मदरसों की अच्छाई। और यूनिवर्सिटी में आप कहते होंगे हजरत, और पान नहीं मंगा पाते होंगे स्टूडेंट से। ये कल्चर का फर्क है मदरसों का और आपका यूनिवर्सिटी का, बताइए अच्छाई में क्या बताऊं मदरसों। हम जान हथेली पे लेके मुस्लिम समाज की कुरूतियों पे, मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय का काम कर रहे हैं, और ये नलायक कह रहा है कि जो है आप खराब काम कर रहे हैं आप। अरे उसको उसको यही नहीं समझ में आ रहा कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स होती क्या है, और समझ में आ जाता तो बात नहीं करते। समझ में आ जाता तो समझ में आ जाता कैसे दलित राजनीति कैसे आगे बढ़ी, महिला राजनीति कैसे आगे बढ़ी, या ये जो वर्ग की राजनीति चढ़ते वो कैसे आगे बढ़ी। तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स यही सब सवाल ने लेने में देर हो जाएगा, ना? आपको तो जल्दी है शायद, आपको शायद जल्दी, मुझे नहीं जल्दी है। आखिरी के दो सवाल और लेते हैं, और कोई मत मत भेजिए सवाल, अब नहीं ले पाएंगे। नहीं नहीं आने दीजिए, मुझे नहीं कोई जल्दी है, आपको अच्छा। जल्दी हो। हाँ ये, हाँ ये पहले टीवी हराम था, इसे घर में लगाने पर 1000 फतवे लगाए जाते थे इन मौलवियों ने, लेकिन अब ये मौलवी ही टीवी में घुसने के लिए मरे जा रहे हैं। किरदार देख के मुसलमान हो गया टीवी भैया, पहले काफिर था। ये तो मेरे बचपन की बात है कि मेरे घर में टीवी था, तो ये कहते थे कि इसके घर में फरिश्ते नहीं आते हैं, तो बड़ा खतम मामला रहता था इसमें कि मेरे मेरे दोस्त टीवी देखना भी चाहते थे, छोटे छोटे थे हम लोग, और फिर ये भी बाद में कहते थे कि तेरे घर में तो फरिश्ते नहीं आते होंगे, तेरे घर में टीवी है। तो ये हाँ, सुनील कुमार का जबरदस्त डिबेट चल रही है, यूट्यूब मेहदी हसन घोषित कर देंगे। चलो, और मोमिन भाई का लॉजिक तारीफ कर रहे हैं आपके, अच्छा भाई दोबारा से आ गए। अरे इनको बहुत हमने टाइम दे दिया, इनको ना टाइम दे जाए, लिखा मैंने खराब कहा है डॉक्टर साहब, इतना झुझला क्यों रहे हैं? चलिए इनको छोड़िए, जब जब आप नबी की शान में गुस्ताखी करेंगे तो सब तो पसमांदा झुंझलाए भी नहीं, आप हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करें, हम झुंझलाए भी नहीं, हम आखिरी खुतबा अच्छा। एस्टेब्लिश करने की बात है, हम झुंझलाए भी नहीं, बात मतलब जबरदस्ती जबरदस्ती का आप अपना वाला इस्लाम चलाएंगे हमारे ऊपर? हम भी पढ़े लिखे हैं, इनसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ मैं। फैज भाई ये लास्ट सवाल ले लेते हैं ना, अब सवाल नहीं लेते हैं, क्योंकि अगर किसी का सवाल है तो देते, वरना अब सवाल नहीं लेंगे। ये अब आज जो न्यूज़पेपर में आया है, मोदी साहब ने जो पसमांदा समाज के लिए बोला कि अपने मंत्रियों को बोला कि पसमांदा समाज से जुड़िए, है ना, तो उसके बाद जो है बहुत से पेट में मरोड़ बहुत ज्यादा हो गया है लोगों के, तो उसी से जुड़ा हुआ एक सवाल आपके लिए स्क्रीन पर देखिए। राज्यसभा आपको भाजपा भेजेगी भाई, फैजी भाई पसमांदा का भला हो ना हो आपका प्रमोशन जरूर होगा इंशाल्लाह, तो ये उसी से जुड़ा हुआ सवाल है। मैं देखिए, जिन्होंने सवाल किया है और पूरे मुस्लिम समाज और पूरे मुस्लिम समाज को लीड करने वाले अशराफ वर्ग के लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है कि भाजपा मुझको राज्यसभा भेजेगी। तुम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में जगह नहीं दे पाए, तुम अपने बगल में सेवई खिला नहीं पाए हमको ईद के दिन, और वो गैर मुस्लिम जिसको तुम मुस्लिम विरोधी और दुनिया भर के दिन भर बुराई करते रहते हो,
वो आपको इतनी तवक्को हो गई हो कि मुझे राज्यसभा भेज सकता है। राज्यसभा बहुत छोटी चीज होती है, हम लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। हम बाबा कबीर और आसिम बिहारी बनना चाहते हैं, हमको राज्यसभा नहीं चाहिए। और राज्यसभा मिल भी गई तो उससे भी हम वही काम करेंगे जो बाबा कबीर ने किया था, जो आसिम बिहारी ने किया था। अपने दिमाग से भ्रम निकाल दें, ठीक है। और आप चुल्लू भर पानी में डूबने की तैयारी कर लीजिए कि भाजपा हमें जगह दे रही है, भाजपा सामाजिक न्याय की बात कर रही है। जो सामाजिक न्याय आखिरी खुतबे में था उसको नरेंद्र मोदी जी एड्रेस कर रहे हैं। तुम्हारे लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने का मुकाम है, सारे देवबंदियों के लिए, सारे बरेलवियों के लिए, सारे अशराफ उलमा, सारे अशराफ बुद्धिजीवी, सारे अशराफ कम्युनिस्टों के लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है कि तुमने मुस्लिम समाज के सोशल जस्टिस की बात नहीं की। भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिसको तुम दिन भर फासिस्ट कहते हो, दिन भर मुस्लिम विरोध कहते हो, 90% मुसलमानों को अपलिफ्टमेंट करने की बात करी, बात तो किया कम से कम, काम करे चाहे ना करे, तुम्हारे लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरना है अशराफ बुद्धिजीवी, अशराफ सेकुलर, अशराफ लेफ्टिस्ट, अशराफ उलमा सबके लिए। नहीं नहीं, मैं सेकुलर पार्टी, सेकुलर पार्टी को कैसे छोड़ दिया, ये सेकुलर पार्टी, इन्होंने कभी ये बात नहीं की। मैं कह रहा हूँ, मैं मुस्लिम समाज से आता हूँ, मेरा नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं मुस्लिम समाज के बुद्धिजीवियों की आलोचना करूँ। मैं बता दूं, डॉक्टर फैयाज साहब राज्यसभा जाएं या ना जाएं ये तो बाद की बात है, इसकी आप चिंता ना करें। आप चिंता इसकी करें कि मुस्लिम एरियों में तकरीर के लिए, चुनावी भाषण के लिए आजम खान सपा के लिए पर्याप्त होते। इस बार दानिश आजाद अंसारी को जब लगाया मुबारकपुर में बीजेपी ने, तो मेरठ से रफीक अंसारी को बुलाना पड़ा और क्या नाम है जसमीर अंसारी को बुलाना पड़ा आजमगढ़ में, और टांडा से एक मिनट, टांडा से वो गए, अरे भाई डॉक्टर इफ्तिखार अंसारी को बुलाना पड़ा, और बीएसपी ने सालिम अंसारी को बुलाया मऊ से। तो अब आजम खान से काम नहीं चल रहा है, अब अंसारी और सैफी आएंगे तो अब आप अपनी बताइए जो मिल रही उस पर खतरा है। डॉक्टर फैयाज को मिले ना मिले, आप वाली जाने वाली है, दिक्कत यह है खाता। एक बात इसमें मैं आउट करना चाहूंगा, हमें राज्यसभा पसमांदा को मिले चाहे ना मिले, अल्लाह का शुक्र है कि पसमांदा आंदोलन की वजह से सैयद लोगों का राज्यसभा खत्म हो गया, राज्यसभा वही मैं कह रहा हूं इस वक्त। अरे भाई आजम खान रफीक अंसारी आ रहे हैं मेरठ से, वही तो मैं कह रहा हूँ कि मुस्लिम नेताओं के चेहरे बदल रहे हैं, तो ये इसकी चिंता करे, ऊंट करवट बदल रहा है। जी जी जी, एक बात कही जाती है, जिसका शब्द चलता है उसकी राजनीति चलती है। अगर सरकार में पसमादा शब्द चलने लगा, मीडिया में पसमादा शब्द चलने लगा, तो फिर पसमादा राजनीति भी चलेगी। जिसके पेट में मरोड़ हो रहा है वो होने दो, वो अभी और आगे सामने आएगी वो मरोड़ कि ये लोग क्या है। हम अच्छा पहले कहते थे, अरे वो एक शेर, एक शेर है, मैं पहली लाइन भूल गया, दूसरी लाइन है कि तुम मुनाफिक हो और बला के हो। अच्छा तो चलो खत्म करते हैं, एक और सवाल भेजी दिया, अब खत्म ही कर देते हैं। अब्दुल कलाम साहब को राष्ट्रपति बना सकती है भाजपा, जो एक पसमांदा समाज से आते थे, तो आपको राज्यसभा क्यों नहीं भेज सकती? अगर आपको राज्यसभा भेज तो मैं, अच्छा वो अपना वो कह रहे कि नहीं भाई मैं पर्सनली खुश होऊंगा आपको अगर भेज दिया गया तो। क्या चीज, क्या चीज? देखिए ऐसा है ना, ये जो कह रहे हैं कि हम खुश होंगे, देखिए ऐसा है ना कि ये जो है ना कलेजे पे सांप लोट रहा है और कोई बात नहीं है, ये खुश नहीं होंगे, ये हमारा नाम इसलिए उछाल रहे हैं कि हम राज्यसभा जाने ना पाए। अगर भाजपा सोच भी रही होगी तो इतना विरोध कर दो। देखिए एक विरोध करने का एक तरीका होता है, तारीफ करके भी विरोध किया जाता है। जैसे तेंदुलकर जब बहुत उरूज पे था और ऑस्ट्रेलिया बहुत उरूज पे था, तो ऑस्ट्रेलिया को दौड़ा दौड़ा के सेनवान को तेंदुलकर मारता था, तो उसके लिए वहां की मीडिया ने तेंदुलकर की तारीफ करना शुरू किया। ये जो तारीफ भी की जाती है ना, ये भी गिराने के लिए की जाती है। जरा समझिए अशराफ के टेक्निक्स को, हम लोग बहुत तैयारी से है मार्केट में, मैदान में, अब सब इनके हथियार हम लोग जान चुके हैं कहाँ से क्या निकालेंगे। इस बार अभिमन्यु सातवां द्वार तोड़ने का हुनर सीख के आया है, महाभारत इस बार जीत के जाएंगे। वो मैं शेर कंप्लीट कर दूं कि मंसूब चरागों से तरफदार हवा के, तुम मुनाफिक हो वो भी मुनाफिक बना के। अच्छा अब खत्म करते हैं, सबके सवाल ले लिए, बहुत देर से हम लोग है भी। अच्छा नूरलैन भाई, एक बात छूट गई थी आपसे, मुझे लगता है इसी पर खत्म किया जाए कि आपके संगठन वालों ने ये जो उदयपुर की घटना हुई थी, तो उसके बाद मैं जहां से पढ़ा था, सुनने में भी आया था कि आप लोग मेमोरेंडम दिया था या कैंडल मार्च निकाली थी, ये कुछ किया था आपने? हाँ हमने दिया मेमोरेंडम, अच्छा मतलब ये पक्की बात है ना कि आपने सबने दिया? हमने बिल्कुल। अरे भाई उस घटना का असल में, हाँ तो उस पर किसी को कोई इतराज हो तो मैं बताऊं,
देखिए हमने दिया इसलिए कि उस घटना को जो अंजाम दिया गया है वो इस्लाम के नाम पर दिया गया। तो इस्लाम क्या है? पसमानदा लफ्ज मुस्लिम पहचान, इस्लाम की पहचान अपने साथ लिए हुए है। तो सही इस्लाम क्या है वो हम बता रहे हैं ना, वो इस्लाम के नाम पर हो ही नहीं सकता। गुस्ताखे रसूल की कोई सजा ही नहीं है। सूरे हिज्र की 95 नंबर आयत है, अल्लाह ताला कहता है कि ये नबी तुम्हारा मजाक उड़ाने वालों के लिए हम अकेले का हम काफी है। अगर अल्लाह के अल्लाह को गुस्ताखे रसूल की कोई सजा तय करनी होती तो जैसे कत्ल की सजा तय की, फसाद की तय की और जिना की ऐलान किया कि ये सजा है, चोरी की सजा ये है, तो यहाँ पर ये बेहतरीन मौका था। अल्लाह ताला कहता कि रसूल गुस्ताखी करने वालों की सजा ये है, मजाक उड़ाने वालों की सजा ये है, कहता है हम काफी है तुम्हारा मजाक उड़ाने वालों के, और तुम सजा दे रहे हो कह रहे हो सरतन से जुदा, तो वो इस्लाम है ही नहीं, वो आपकी फिका की होगी। इसलिए हमने मेमोरेंडम दिया और उसको कंडम किया। आप ये देवबंदी के नाम पर मारे, दावते इस्लामी वालों ने मारा है, वो कहे कि बरेलवी फिका में इसकी सजा गुस्ताखी रसूल की सजा सरतन से जुदा है, दावते इस्लामी में है, हम कोई इतराज नहीं करेंगे। ये मुसलमान बन के मार रहा है भाई दावते इस्लामी वाला, तो हम बता रहे हैं मेमोरेंडम दे रहे हैं कि मुसलमान का काम नहीं है, इसलिए हमको देना पड़ा। और थोड़े कोई बात है, और कुरान में कोई सजा नहीं है, इस्लाम में कोई सजा गुस्ताखी रसूल की नहीं है जी, वो हमारे तो, दावत का हकदार है जी। तो अभी हम लोग जुड़े हुए थे और बातें कही गई, थोड़ा सा भटक भी गई, भटक गई मतलब सही ट्रैक पर थी कि कैसे जो है सांप्रदायिकता की जड़ क्या थी, और उस पर भी बात करने लगे हम। अब इस पर बात कर रहे थे कि उदयपुर की जो घटना हुई है वो कितनी निंदनीय थी, और इससे पहले भी जो भी घटनाएं हुई थी हम उसका भी विरोध करते रहे हम। मैंने शुरू में ही इंट्रोडक्शन में बात कह दी थी, और ये भी समझ में आया कि कैसे नूरलैन भाई के जो संगठन है पसमांदा महाज, वो मेमोरेंडम भी दिया, वो जो है कैंडल मार्च निकालने की भी कोशिश किया, तो बहुत से उसने प्रयास किए, और कई साथियों की ओर से कहा गया कि ये पहला प्रयास था जो हमने देखा कि किसी मुस्लिम संगठन की ओर से किया गया जी। फैजाबा कुछ कह रहे थे, मैं एक बात कर दूं, भारतीय इतिहास में ये पहला ऐसा मौका है कि कोई मुस्लिम संगठन, देखिए पसमांदा संगठन भी मुस्लिम समाज का ही है, हम दबे कुचले हैं, कोई मुस्लिम संगठन, हाँ कोई मुस्लिम संगठन तकरीबन एक दर्जन जिलों में ज्ञापन दिया गया है आज तक मुस्लिम सांप्रदायिकता के विरोध में, पूरे भारत के इतिहास में आजादी से पहले भी इतने बड़े पैमाने पे मुस्लिम सांप्रदायिकता का विरोध किसी ने नहीं किया था। बाबा आसिम बिहारी ने किया था, वो उसका मुस्लिम लीग का, वो एक बड़े पैमाने पे मुस्लिम लीग की सांप्रदायिकता का विरोध था, लेकिन उसके बाद ये पहला ऐसा मौका है जिसमें इतने बड़े पैमाने पे मुस्लिम सांप्रदायिकता का विरोध जताते हुए उदयपुर घटना और वो अमरावती में घटना का विरोध किया गया है। दर्जनों एक दर्जन जिले में पसमांदा कार्यकर्ता ने मेमोरेंडम दिया है। ये बात इस देश के सामाजिक सौहार्द के लिए, इस देश के उत्थान और इस देश के विश्व गुरु बनने के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कि एक अच्छा शगुन है। इसको सरकार को भी, भारतीय जनमानस को भी, भारतीय समाज को भी इसको लेके इसको हाईलाइट करना चाहिए कि देखो मुस्लिम समाज का ये संगठन इतनी तेजी से मुस्लिम सांप्रदायिकता का विरोध कर रहा है, सरकार को भी इसको एड्रेस करना चाहिए, बहुत अच्छा शगुन है भविष्य में एक अच्छा राष्ट्र, एक अच्छा भारत बनाने के लिए। मैं जो जुमला फिर से दोहरा था, अगर इन्होंने दावत इस्लामी का ये कानून बता के सजा उसको मारा होता, या जिस फिरके का कोई है वो फिरका अपना बता के मारा होता, तो हम मेमोरेंडम ना देते, दर्द होता है, एहतजाज करते, अलग बात है, उसका हम विरोध करते और कंडम करते, लेकिन इन्होंने इस्लाम का और मुसलमान के तौर पर इन्होंने ये घटना को पारित किया है। इस्लाम में कोई सजा नहीं गुस्ताखे रसूल की, इसलिए हमने इसको मेमोरेंडम दिया है, क्योंकि मुसलमान का ये काम है जी, वो एज ए मुस्लिम ना किया होता घटना कारित हुई शायद इतना वो ना करें। वो आपकी बात सच है, और ये सब मैं पहले भी बताया था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में ये सब नारे बहुत मशहूर थे कि सरतन से जुदा, और हम जब मजहब जो है जहन में चढ़ जाता है पागलपन बन जाता है, और ये पाकिस्तान और बांग्लादेश हमारे लिए जो है एग्जाम्पल है कि कैसे वहां पे पागलपन के स्तर पर इस्लाम को लेकर चले गए, इस्लाम मतलब इस्लाम को एज ए पोलिटिकल इस्लाम बना के, रेडिकल इस्लाम बना के किस तरीके से वहां पे जो जुल्म हो रहा है, तो हम भारत में ऐसा ना हो इसके लिए बहुत प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं, और जितना हमारी कुवत है हम वहां से उस प्रयास कर रहे हैं। और मैं एक मिनट और मैं उसको जोड़ दूं। देखिए बांग्लादेश में सांप्रदायिकता के खिलाफ सख्त कदम उठाया गया शेख हसीना पीएम जी, वो पसमांदा कम्युनिटी से है, अंसारी है। अच्छा, जिस दिन भारत की लीडरशिप मुस्लिम लीडरशिप पसमांदा के हाथ में आएगी कि सांप्रदायिकता खत्म हो जाएगी, कट्टरता खत्म हो जाएगी, वही एक रास्ता है।
और भारत में जितने भी मुस्लिम लीडर है देखिए जो पसमांदा से जुड़े हैं, भड़काऊ बयान नहीं देते, चाहे अहमद हसन साहब मर गए, पूरी जिंदगी आप उनको उठा करके देख लिए, हिंदू मुस्लिम पर कोई बयान नहीं। हाँ एक काम उन्होंने किया, बिजली बिल फिक्स कर दिया मुसलमानों का, इतना बड़ा फायदा एक प्रदेश आज तक किसी मुस्लिम लीडर ने नहीं कराया, लेकिन कोई भड़काऊ बयान नहीं दिया। बाकी जो अशराफ नेता है आप देखिए हिंदू मुस्लिम खेलते हैं, तो पसमांदा लीडरशिप के सिवा कोई विकल्प नहीं है देश को आगे ले जाने के लिए, देश को बर्बादी से बचाने के लिए एक ही विकल्प है, मुस्लिम लीडरशिप पसमांदा के हाथ में। जी, और जैसा फैयाज भाई बता रहे थे कि भारत की एक परंपरा रही, शास्त्रवाद की परंपरा रही है, एकम सत्या विविधा बहुधा वदंती, मतलब एक ही सत्य जिसको हर इंसान अपनी ओर से बोलता है, तो धर्म मेरा धर्म अच्छा है यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन मेरा धर्म सबसे अच्छा है और सर्वोच्च है, फिर ये जो है किसी को नीच मानने की ओर लेके जाता है आपको, और उससे फिर क्या होता है, एक हिंसा शुरू होती है। हिंसा सबसे पहले कहाँ शुरू होती है, पहले आपके मस्तिष्क से शुरू होती है, पहले ये मानना शुरू करते हैं कि कोई जो है गलत है, फिर जो है वो हिंसा जो आपके व्यवहार में आती है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि मस्तिष्क में भी जो आपकी हिंसा पैदा हो रही है वहां भी एंटीडोट दिया जाए, फैयाज भाई के शब्दों में, कि उस वायरस का इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं। और हम ये बोलते हैं कि सांप्रदायिकता का विरोध, मुस्लिम सांप्रदायिकता का विरोध इस्लामोफोबिया नहीं, जैसे इस्लामोफोबिया बोल के हमारे सारे प्रयासों को जो है खत्म करने की कोशिश की जाती है कि ये तो इस्लामोफोबिया फैला रहे हैं। हम इस्लामोफोबिया नहीं फैला रहे, हम कोशिश कर रहे हैं कि जो यहाँ पे कमी है, जो सांप्रदायिकता है, उस पर बात हो, उसको नजरअंदाज न कर दिया जाए। तो हमसे जुड़े रहे और आपके जो भी सवाल होंगे हम अगले लाइव में उसको भी ले लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय पसमांदा, जय हिंद।